There are certain control mechanisms in our desi families which are upheld by a false consciousness. How can this be changed? Well, मैं तो कहता होता हूँ कि मतलब पाकिस्तान के अंदर आम राय ये है कि डिक्टेटरशिप ने पाकिस्तान को जो है ना बड़ा ख़राब किया है और स्टेट लेवल के ऊपर बहुत कंट्रोल प्रैक्टिस होता है, इसी वजह से हमें राइट्स नहीं मिलते. बट आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी प्लेस वी ओपन आवर आइज़ इन, कि जहाँ हम पैदा होते हैं जिन घरों के अंदर, वहीं से एक कंट्रोल पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल अम्ब्रेला बन जाती है. इसको मैं वैसे एक टर्म नहीं है किसी की, बट आई से दिस कि अगर आपके घर का एक पैट्रियार्क है, एक बड़ा जो है वो जो कह रहा है कि मैं गार्डियन हूँ सबका, वो सिर्फ आपको ये नहीं कि फीड भी कर रहा है, वो आपको इंटेलेक्चुअली ग्रो करने से भी रोकता है, मैंने देखा है. क्योंकि जहाँ वो वोट डाल रहा है आपने भी वहाँ डालना है. आप अब्बा जी के खिलाफ जाके पीडीआई को वोट नहीं दे सकते, ना किसी और जमात को. अगर देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टसल भी हो जाएगी. अनलेस यू आर टोटली रिलायंट ऑन योर सेल्फ इकोनॉमिकली, तब तक आपको उनकी ओपिनियन को लीड करने देना है. तो पाकिस्तान के जो फैमिली सिस्टम्स हैं, आई थिंक इट इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर डिस्ट्रक्शंस. उसकी वजह यह है कि इसको हमेशा जोड़ते हैं डॉगमा से या मजहब से, जबकि इस्लाम में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन दैट आई कीप हियरिंग, कि जहाँ जाओ लोग कहते हैं कि यार ये असल में हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजियस प्रैक्टिसेस. नो इट इज नॉट. गो टू साउदी अरेबिया एंड शो मी अ ज्वाइंट फैमिली. दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव, कि हमने जो साउथ एशियन रिवाइवलिस्ट जो सारी कस्टम्स हैं ना, उनको हमने अपने फेथ के साथ जोड़ के उसमें अजीब सा हाइब्रिड क्रिएट कर लिया. तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान, आप हैरान होंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है कंसैंगुइनियस मैरिजेस की, फैमिली के अंदर शादी करना. और मैंने अपनी एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि डेमोक्रेसी विदाउट इंडिविजुअलिज्म की रेवोल्यूशन के आ ही नहीं सकती. उसकी वजह यह है कि मैं एक फ़र्द अगर अपने हकूक, अपने राइट्स और तमाम जो स्टेट के मेरी तरफ ड्यूटीज़ हैं उसको रिकगनाइज नहीं करता, तो मुझे पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या होती है. फिर वही कौम पैदा होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के बाद नाच रही होती है कि क्या सरप्राइज दिया. Because they don't know what constitution is in the first place. जबकि हम अमरीका में देख लें तो वहाँ पर आपको ऐसी मिसालें भी मिलेंगी कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के ऊपर, खून खराबा हो गया, ठीक है, और वायलेंस करना पड़ा स्टेट को उसको अपहोल्ड करने के लिए. बिकॉज इट इज़ दी ओनली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द स्टेट. इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि मैं एक जगह काम करने गया हूँ या आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टस आपको मिला नहीं और इसके अलावा कुछ बताया नहीं, कोर्स आउटलाइन नहीं बताई, और आप कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है. So there is no proof, आपका स्टूडेंट आई डी कार्ड भी नहीं है और आप यूनिवर्सिटी में फिर रहे हैं, यू फील सेफ. दिस हैज़ टू बी अ फॉली. उसकी वजह यह है कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं देते, जो कि आपके जो फेथ है उसके साथ भी जो है वो अफर्म करता है, उसके खिलाफ नहीं है. पाकिस्तान के तमाम मकातब फिकर ने बैठ के इतफाक़ किया था 73 के आयन के ऊपर, उसके बाद ये वजूद में आया था. तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मज़हब से कोलाइड करती है, उसके बावजूद रिस्पेक्ट नहीं है. उसकी वजह यह है कि यहाँ पर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स बहुत ज़्यादा हैं. तो जहाँ तक बात फैमिली सिस्टम्स की है, तो जिस तरह मैंने बताया कि पाकिस्तान की 70% आबादी जो है वो कंसैंगुइनियस मैरिजेस की प्रोडक्ट है, ठीक है, और ऐसी जगह के ऊपर डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती, क्योंकि किनशिप ग्रुप्स जो हैं वो बन जाते हैं. अगर लेट्स से कि किसी गाँव के अंदर जट फैमिली बहुत बड़ी है, तो पॉलिटिकली डोमिनेट कर जाएगी वो, आप कुछ नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते, हाउस ऑफ पावर से दूर नहीं कर सकते. अगर किसी और जगह जाते हैं, वहाँ पर अराइंस एक दूसरे में शादियां बहुत करते हैं, तो उनकी पॉलिटिकल पावर जो है वो डोमिनेट कर जाती है. किसी जगह पे गुजरात में चले जाएं और जगहों मैंने देखा है, तो हर किसी के अपने अपने पूरे जो है वो इलाके हैं. जब हम बात करते हैं नेपोटिज्म की या सियासत के अंदर बात करते हैं कि यार ये उसका बेटा है तो ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है, या उसका बेटा दोबारा से पॉलिटिक्स में क्यों आ गया, हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बना हुआ है, शहबाज शरीफ वजीर आजम बना हुआ है, बिल्कुल ठीक आप कहते हैं, लेकिन जो वोटिंग पैटर्न है पहले उसको तो फिक्स कर लें. जब नीचे वोटिंग पैटर्न्स में ही सारी बरादरी बैठी हुई है, तो ऊपर भी बरादरी आएगी, क्योंकि विदाउट इंडिविजुअलिज्म के बगैर जो हाउसेज ऑफ पावर में जो पहुँचेंगे वो फैमिलीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ की तादाद इतनी बढ़ जाती है कि वो सिर्फ बरादरी के नाम पे वोट डाल देते हैं. सारे साउथ पंजाब में आप चले जाएँ, आगे ट्राइबल सोसाइटीज़ भी हैं बलोचिस्तान के अंदर और जगहों के अंदर, तो वहाँ सिर्फ ट्राइब की बेस पर वोट पड़ता है. तो ये चीज़ है कि हम जब तक ये इस तरह की ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर से नहीं निकलेंगे, तो राइट्स नहीं मिल सकते हमें, आज़ाद ख्याल हम नहीं हो सकते. और सबसे बड़ी बात यह कि इनफरादियत हमारे किसी भी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बन सकती. उसकी वजह यह कि मैंने अगर अपने आइडियाज़ को प्रमोट करना है, अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो घर में एक शख्स बैठा हुआ जो डिसाइड कर रहा है कि डिग्री तुमने कौन सी करनी है, उसके बाद तुमने शादी किसे करनी है, या सब कुछ डिसाइड करना उसका इस्तेहकाक है. जब आपके पास अपने ज़िंदगी के फैसले करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आप कौमों के फैसले कैसे करेंगे वोट डाल के.
कम्प्लीटली पैराडॉक्सिकल है। तो यही बात है कि अगर यूरोप की तहरीक को भी आप देखें तो वो वेस्टर्न कल्चर इस टाइम जो है वो जिस तरह से हम समझते हैं ना कि एक जमूद का शिकार कोई आइसोलेटेड चीज़ है, नो इट इज़ नॉट। 1960s तक मैराथन में इंग्लैंड के अंदर एक औरत भागने के लिए आ गई थी, उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, 50 साल पहले की बात है अभी। 1930s तक यूके के अंदर किसी बार में खवातीन को सर्व नहीं करते थे विदाउट अ सूट और विदाउट अ मैन। तो ये बहुत रीसेंट फिनोमेनाज है, वहाँ का जो कल्चर था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कल्चर था जो कि मॉडर्निज्म ने डिस्ट्रॉय किया आगे। तो हम नीचे कहता होता है कि आइडियाज शुड बी जज्ड अकॉर्डिंग टू देयर आउटकम्स। किसी भी आइडिया के बारे में अगर आपने सोचना है कि ये ठीक है या गलत है तो उसकी जो आउटकम है उसके बारे में सोचें कि अगर वो सही निकली है तो वो ठीक होगा। तो ये चीज़ है कि इंडिविजुअलिज्म जैसे ही वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि अगर स्टेट उन्हें कह रही है वैक्सीन लगवा लो, वो उस पर भी एहतजाज कर रहे हैं कि तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले वैक्सीन लगवा लो, हम लगवाएंगे या नहीं लगवानी हमारी मर्जी। तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उनके ऊपर स्टेट की तरफ भी और हर वो चीज़ जो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि वो तमाम फैसलों के वो खुद से इख्तियार लेना चाहते हैं। तो ये फैमिली सिस्टम्स इतने पेट्रियार्कल और इतने बैकवर्ड हैं हमारे यहाँ पर कि इसमें एक फ़र्द की शनाख्त ही ख़त्म हो गई है और उसकी शनाख्त सिर्फ ये है कि मेरे ख़ानदान में 20-25 लोग हैं और मैं उनका एक नुमाइंदा हूँ। उसकी अपनी कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उसकी अपनी कोई शनाख्त कोई पहचान नहीं है, वो एक कम्प्लीट इंसान या कम्प्लीट औरत नहीं बन सकता या बन सकती। उसकी वजह यह है कि उसके फैसले कहीं और हो रहे हैं। जब तक एक फ़र्द मुकम्मल नहीं हो रहा तो मैं नहीं समझता कि मुआशरा जमहूरी मुआशरा ख़ास तौर पर जहाँ हर एक फ़र्द की बहुत ज़्यादा अहमियत है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि हम यही नहीं समझ पाते कि स्टेट जो है वो हमारा ये काम नहीं है कि हम स्टेट को डिफेंड करें, स्टेट का ये काम है हमें डिफेंड करें। उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ और जब जब वो आपके हकूक को तोड़ेगी और आपको राइट नहीं देगी तो आपको जो लोग ये कहने आ जाते हैं कि आप स्टेट के खिलाफ बात ना कीजिए, आप उनसे पूछिए कि आप स्टेट के लिए पैदा हुए थे या स्टेट आपके लिए हुई थी, इट वॉज दी अदर वे अराउंड। सो दिस इज व्हाट आई सी कि हमारे जो फैमिली सिस्टम्स हैं ये ऑपरेशन को इतनी जल्दी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं एक फ़र्द के ऊपर कि हम ऑपरेशन को नॉर्मलाइज कर देते हैं, फिर चाहे स्टेट हमें ऑप्रेस करे, फिर चाहे मुआशरा ऑप्रेस करे, कोई भी ऑप्रेस करे, हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है बिकॉज वी हैव बीन यूज्ड टू दैट। So the next question is, we see that there is an intersectionality of oppression in Pakistan. How will this affect the progression of legislation? Intersectionality of oppression, this is a nice term by the way, क्योंकि मतलब वो explain करती है ना काफ़ी phenomena को। एक तो जिस तरह social life है हमारी कि अगर मैं किसी कमज़ोर कबीले का हूँ और मैं साउथ में रहता हूँ या बलोचिस्तान में रहता हूँ किसी और मुआशरे में रहता हूँ तो वहाँ पर ऑपरेशन की काफ़ी लेयर्स इस तरह से है कि अगर पहली बात तो ये है कि मैंने एक्सप्रेस कर दिया कि मैंने किसी से शादी करनी है तो उसके ऊपर पहले तो मुझे मार पड़ेगी और उसके ऊपर कारोकारी का इल्ज़ाम भी लग सकता है और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो एक ऑपरेशन तो वो हो गया जो सोशल ऑपरेशन है। एक डोमेस्टिक ऑपरेशन है जिसकी अभी बात की मैंने कि वो घर की तरफ से आता है आपका और उसमें आपको एक आज़ाद इंसान की हैसियत से अपने ज़िंदगी के फैसले करना उसकी आपको जो है वो अथॉरिटी नहीं दी जाती। और इसी तरह एक स्टेट की तरफ से आता है और स्टेट की तरफ से क्या आता है कि जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप उसको एक्सरसाइज करते हैं आप पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं से आपकी कंडेमनेशन शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल एक टोटलिटेरियन मुआशरा होता ही है जहाँ पर सिर्फ रियासत ओप्रेस नहीं कर रही होती या सिर्फ पेरेंट्स ओप्रेस नहीं कर रहे होते या सिर्फ क्लर्जी और जो राइट विंग है वो ओप्रेस नहीं कर रहा होता, वो एक कलेक्टिवाइजेशन होती है और वो एक कम्प्लीट होमोजेनस कल्चर बनाना होता है मुआशरे का। जिस तरह हिटलर ने आके कहा था कि डिसिप्लिन जो मुझे चाहिए जिस तरह का उसको एक्सरसाइज करने के लिए जो ज्यूज हैं दे आर दी ऑड वंस आउट, क्योंकि वो इम्प्योर कर देंगे जो प्योर एरियन जर्मन रेस है उसको, तो इसीलिए इनको अगर हम निकाल देंगे ना सब साफ हो जाएगा। तो हर मुआशरे के कोई ना कोई ज्यूज रखे होते हैं टोटलिटेरियन कल्चर्स में। यही चीज़ है कि यहाँ पर भी हम यही सोचते हैं कि अगर हमें एक ऐसी सिटीजनरी मिलती है लेट्स से सिंगल नेशनल करिकुलम की तरह की चीज़ें और चीज़ें हैं तो उसमें यह है कि करिकुलम भी एक होना चाहिए, सोच भी एक होनी चाहिए, ओपिनियंस भी एक होनी चाहिए और सबको पढ़ना भी वही चाहिए जो हम कह रहे हैं। ठीक है, सोचना भी वही चाहिए जो हम कह रहे हैं, क्योंकि डिसेंट तो अलाउड ही नहीं है। डिसेंट तो वहीं होता है जहाँ पर रिबेलियस एटीट्यूड्स को प्रमोट करते हैं लोग। तो जिस भी माशरे के सर्वाइवल के बारे में आपने देखना है, एक लिटमस टेस्ट है बहुत ईजी, वहाँ पर देखिए कि वहाँ तनकीदी आवाज़ें कितनी एग्जिस्ट करती हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुआशरा रहने वाला है या तबाह होने वाला है। 1970s से पहले हमने तमाम तनकीदी आवाज़ों के गले काट दिए, ठीक है, उनके गले घोट दिए हमने, और हमारे अखबार
दिसंबर के महीने तक ये रिपोर्ट करते रहे कि फतूहात जारी हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वो ऐसे ऐसे किले फतह किए जा रहे हैं कि आपकी सोच होगी और वो कुछ और रहा था। उसकी वजह यह है कि जो स्टेट्स और जो मुआशरे अपने आप से झूठ बोलते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते हैं, किसी और का नहीं करते, तो एक मैस डिलूजन में पड़े होते हैं। यहाँ भी ये है कि आउटवर्ड लुकिंग कल्चर है, जो भी जिसको भी आप माइक दें वो पहली बात कश्मीर की कर देगा या किसी और जगह की, फलस्तीन की कर देगा जो हज़ारों किलोमीटर दूर है, ठीक है, और जगहों की कर देगा, लेकिन जिस रियासत ने आपसे इमरानी मुआहदा किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है, उससे सवाल नहीं करेंगे। ये पूछेंगे कि हज़ार किलोमीटर दूर एक स्टेट है, वहाँ पर राइट्स नहीं मिल रहे, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते, अगर नहीं करते तो तुम बता रहे हो। तो बात यह है कि हर वो बंदा जो आपको बाहर की तरफ दिखा रहा है अपने घर से, और वो ये दिखा रहा है कि वो देखो वहाँ क्या हो रहा है या नेबर्स में क्या हो रहा है या उधर क्या हो रहा है, वो आपको एस्केप दे रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोचें। सबसे बड़ा ऑपरेशन तो खैर इग्नोरेंस ही है हमारे यहाँ पे। उसकी वजह यह है कि तमाम ब्रूटैलिटी जो है वो इग्नोरेंस में स्टेम करती है। अगर फिलोसॉफिकली भी इसको देखें, जब एक रेपिस्ट होता है या कोई किलर होता है, मर्डरर होता है, उसकी बेसिक ड्राइविंग फोर्स ही क्या होती है? इनसेंसिटिविटी। ही कैन नॉट फील व्हाट द विक्टिम इज फीलिंग, दैट इज द ओनली ड्राइविंग फोर्स ही हैज। इसीलिए हम जब सेक्सुअल क्राइम्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हमारे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ये आती है कि फ्रस्ट्रेशन में की वजह से हो जाता होगा या फिर ऑब्सेनिटी की वजह से होता है, लेकिन उन्होंने कभी ये पढ़ना नहीं है कि उसके और कितनी मोटिवेशंस होती हैं। पावर का क्राइम है एक्चुअली, वो सिर्फ उसमें एक परपेट्रेटर पावर एक्सरसाइज करता है विक्टिम के ऊपर, और उसका ताल्लुक ऑब्सेनिटी से नहीं होता। क्योंकि अगर यही मर्द जो यहाँ पर ये सब करते हैं, इनको आप उठा के किसी फ्लाइट से यूरोप ले जाइए, वहाँ पर बड़े अच्छे सिटीजन बन जाते हैं, दो मिनट ट्रैफिक लाइट में भी खड़े होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, टाइम पे दफ्तर भी पहुंचना शुरू हो जाते हैं, और तमाम क्राइम से भी बच जाते हैं, और किसी आईजी को फोन भी नहीं कराते कि मेरा वो काम कर दे, क्योंकि वहाँ सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ये होते हैं तो ये कहते हैं हमें प्रोवोक किया गया है, मतलब वो एक खातून जा रही थी, उसने कपड़े सही नहीं पहने हुए थे, हम प्रोवोक हो गए हैं, ये इनके पास एक्सप्लेनेशन है। तो उसकी वजह यही है कि जब रियासत ने, मतलब स्टेट की डेफिनेशन ही मैक्स वेबर ये करता है कि लेजिटिमेट मोनोपोली ऑन वायलेंस जिसके पास होगी वो रियासत है, जो किसी को सजा देने की ताकत रखती है उसका नाम रियासत है। तो जब मोनोपोली ऑन वायलेंस स्टेट के हाथ से निकल के फ्रेगमेंट्स में बट जाए, उसके कई टुकड़े हो जाएं, और उसका एक टुकड़ा कोई एक जमात ले जाए जो सड़क पे आके अपनी बातें मनवा लेती है, या वजीर आजम उनसे निगोशिएट कर रहा होता है, हालांकि बाय लॉ SHO को करना चाहिए, लेकिन वो 10-15 गाड़ियां तोड़ते हैं और वजीर आजम उनके सामने बैठ जाता है, क्या मुतालबात है बताओ। अभी पिछले साल की बात है, वो घुसे वजीर आजम हाउस में तो आगे मजहबी बोल के वजीर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इसको बाहर निकालो, वजीर आजम ने कहा प्लीज गेट आउट। जो इलेक्टेड आदमी है जिसको हमने वोट दिया है, ठीक है, उसकी कोई औकात नहीं है ऐसी फोर्स के सामने जिसके पास डंडा है। क्योंकि पाकिस्तान के की जो सोसाइटी है, इस आप एनाटो लीवन की किताब पढ़ें, पाकिस्तान हार्ड कंट्री, मैं बहुत लोगों को रेकमेंड भी करता हूँ, इट हैज़ अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ दिस सोसाइटी वर्क्स। तो वो कहता है कि नेगोशिएटेड स्टेट है एक, कि यहाँ पर अगर कोई बात मनमानी है तो पहले मोनोपोली ऑन वायलेंस लो और उसके बाद में स्टेट से निगोशिएट कर लो, नोबडी कैन स्टॉप यू, डू व्हाटएवर ऑन अर्थ यू वांट टू डू, कोई लॉ नहीं, कुछ भी नहीं, अदालतें भी खुल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, मेरे आपके लिए नहीं खुल सकती, ठीक है। और इसके अलावा हम 20-20 साल मुकदमों के ऊपर अपने प्रॉपर्टियों को बेच के कचहरियों में धक्के खाते रहे, हमारी कोई खबर TV पे नहीं चलती, लेकिन जिसके पास मोनोपोली ऑन वायलेंस है वो मार्च की कॉल भी दिल टांगे कांपना शुरू हो जाती है कि यार ये पता नहीं क्या करेगा। तो बात यह है कि मैंने तो यही सीखा, मेरा जर्नलिज्म में आने का ही प्रिटेक्स ये था बेसिकली, कि मैं जब देखा कि यहाँ पर रियासत एक कॉमनर को ट्रीट कैसे कर रही है, तो आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। किसी नाके पे पुलिस वाले ने रोक लिया, वो पैसे मांगी जा रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, किसी गाड़ी को कह रहा है मैं बंद कर दूंगा, जो करना कर लो, अगर मेरे पास फॉर्म करवाने के लिए कोई नहीं है, आई एम टोटली डिसएनफ्रेंचाइज्ड एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, मेरी वोट की या मेरी इनफरादियत की कोई वैल्यू नहीं है, ID कार्ड मेरा गुड फॉर नथिंग। तो यही चीज़ है कि पावर की जो एक्विजिशन है इस मुआशरे के अंदर वो इतनी ब्रूटल है कि अगर वो जो नहीं कर रहा उसके ना कोई हकूक हैं और वो गैर इंसानी बिल्कुल मुआशरा बन जाता है। अभी चंद दिन पहले मैं गलती से PIC चला गया लाहौर के जो अस्पताल है दिल का, मैंने देखा कि फुटपाथ के ऊपर 150 से 200 बंदा लेटा हुआ था और वो वेट कर रहे हैं सिर्फ के अंदर, मतलब इतना बुरा हाल है दैट दे आर ट्रीटिंग अस लाइक लिटरल एनिमल्स, और सिर्फ एक प्रिविलेज क्लास के लिए पॉलिटिक्स हो रही है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि हम लोग भी उसी प्रिविलेज पॉलिटिक्स का पार्ट बन के फैक्शंस में बढ़ जाते हैं, कोई कहता है मैं PTI हूँ, कोई कहता है मैं नून लीग हूँ, कोई कहता है कुछ हूँ, एलीट पॉलिटिक्स है सारी। 15-20 करोड़ रुपया नहीं है MN ने बन के दिखाया आप सब में से मुझे कोई, कैन यू एवर ड्रीम टू बी अ पॉलिटिशियन और अ लेजिस्लेटर विदाउट दैट
you know, that massive amount of capital on your disposal. No, you cannot even think about it. तो यही चीज़ है कि आपने इस रियासत ने systematically इस तरह disenfranchise किया है आम शहरी को कि अगर इतना बड़ा कैपिटल आपके पास नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते फैसले करने का. वो इख्तियार सिर्फ उनके पास है और वो एक गेम खेलते हैं आपस में हर 3-4 साल बाद कि अब ये आ रहे हैं या वो आ रहे हैं और आप सारे उनके सपोर्टर बन के पीछे चल पड़ते हैं उसके. दिस इज़ वाई आई यू नो टर्न इट डाउन के इस तरह की जो सपोर्ट जो डॉगमेटिक सपोर्ट होती है पार्टीज को लेकर इट डजंट गिव यू एनीथिंग बट यू स्टिल हैवी व्हाट दे आर डूइंग टू यू. तो जहाँ तक ये ऑपरेशन की बात है तो वो सबसे बड़ा ऑपरेशन तो ये है कि एज एन इंडिपेंडेंट सिटीजन आपकी जो आपका वोट हो या फिर आपके राइट्स हों उसका कोई इख्तियार आपको ना दिया जाए और आपको उसका कोई फ़ायदा ना हो कि आप एक पाकिस्तानी सिटीजन हैं. इनफैक्ट ओवरसीज जाके भी आपको पासपोर्ट छुपाना पड़ेगा. So I think this realization will act, you know, as a big game changer for us. If we stop looking outside and start looking inside, कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उससे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे. Because identification of the right problems is half the solution. You did mention the SNC in your previous answer. So what do you think? How can academic institutions educate students to become more responsible and progressive? Well, I think the job of the university was never to, you know, kind of convince you to do rote learning or rata laga ke aap exam ke andar likh lein ya fir memorization ki jo exercise hai bilkul futile hai. Yahi wajah hai ki hamare yahan par dress code to bade defined hai, ye pehen ke nahi aana, ye nahi karna, itne baje nahi aana. Discipline to pura exercise karne ke liye wo taqreerein karwa le aap khatam hi nahi hoga ki discipline kaise hona chahiye. Lekin jo free thought hai uski encouragement nahi hai, iski wajah se international stage par ye haal hai कि 1.5 से 2 अरब की आबादी तकरीबन जो है वो उससे 10 गुना ज़्यादा नोबेल प्राइज़ एक शिकागो यूनिवर्सिटी ने जीते हुए हैं जो अमेरिका की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है. बिकॉज यू हैव फेल्ड टू प्रोड्यूस बिग माइंड्स और हमेशा बड़ा दिमाग वहीं पैदा होता है जहाँ फ्रीडम होती है. टोटलिटेरियन कंट्रोल के अंदर आज तक कोई बड़ा दिमाग पैदा नहीं हो सका जहाँ पर मुआशरों ने जकड़ा उस सोच को. तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पर्पस तो ये था कि आपको प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को बेशक हम छोड़ भी दें, बेशक वो राइट विंग आइडियाज़ ही हों, ऑर्थोडॉक्सी क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो फोकस था वो ये होना चाहिए था कि एक फ्री डिबेट को इंश्योर करें ताकि दोनों साइड्स की जो बात है अगर वो इंश्योर हो जाए तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ करेक्शन शुरू हो जाती है मोशन की. क्योंकि अगर अमरीका की भी बात करें, वर्ल्ड लीडर्स हैं जी, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP एंड द स्टैंडिंग आर्मीज एंड व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कहते हैं ज़मीन फ्लैट होती है, फ्लैट अर्थ सोसाइटी है वहाँ पे, ठीक है. और वहाँ पे मैं अक्सर कहता होता हूँ कि 30% अमेरिकन्स बिलीव दैट चॉकलेट मिल्क कम्स आउट ऑफ ब्राउन काउस. आई मीन इट्स अ फैक्ट. और ये अमेरिकन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जहाँ दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है. तो इस तरह के एडियोटिक आइडियाज़ भी वहाँ पर लोग उसको बिलीव करते हैं. एंटी मास्कर्स की पूरी कैंपेन थी जिसमें वो कह रहे थे कि मास्क पहना के रियासत आपको मारना चाहती है तो मास्क नहीं पहनना, ठीक है. एंटी वैक्सर्स की कैंपेन भी थी कि वैक्सीन नहीं लगवानी. तो अच्छे खासे वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स और बैकवर्ड रिवाइवलिस्ट आइडियाज़ भी पिनप रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि एक डिबेट चल रही है. प्रोग्रेसिव बातें करने का मकसद ये नहीं है कि आप सारे जो मेरे सामने बैठे हैं ये सब कन्वर्ट कर दें जो मैं सोच रहा हूँ. नहीं, नेवर द पॉइंट. पॉइंट ये नहीं कि मुझे फॉलो करें. पॉइंट ये है कि आपने क्या कभी चैलेंज किया अपने किसी भी पॉपुलरली हेल्ड प्रिंसिपल को? क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है मैं जो ये बात सोच रहा हूँ या जिस पे यकीन करता हूँ या जिसको वोट डालता हूँ या मेरा जो माशरे के बारे में परसेप्शन है ये गलत भी हो सकता है? वो कोगिटो एर्गो सुम जो आई थिंक देयरफॉर आई एम का एक लाइन है, एक जुमला जिसने मगरब के सारे फलसफे को बदल के रख दिया. तो वो यही कहता है कि एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे पास सबूत ही कोई नहीं है बगैर इसके कि मैं सोच रहा हूँ इस वक्त. तो सोचने के अलावा कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हमारी एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है. क्योंकि एक फिलोसॉफिकल डिबेट थी कि भाई डेकार्ट है या कोई और फिलोसोफर है वो ये सोच रहे हैं कि यार हम कैसे साबित करें कि ये सारा सिमुलेशन नहीं है जो हमारे सामने चल रहा है. इट्स नॉट जस्ट अ प्रोग्राम दैट वी आर सीइंग, वी आर नॉट एन एल्गोरिथम. तो उसमें सबूत सिर्फ यही है कि जस्ट बिकॉज आई एम सेल्फ कॉन्शियस, आई एम थिंकिंग दैट आई एग्जिस्ट, यू नो, दिस वेरी एक्ट ऑफ थिंकिंग इन द फर्स्ट प्लेस, it is, you know, the substantial evidence that I do exist. To soch ke bagair to existence ki jo hai na wo koi proof itna sa jo hai wo objectively aap usko nahi substantiate kar sakte. To hamara ye hai ki humne jab descent nahi karna hota to usse ye hota hai ki hum bilkul ek blind
जिस तरह जानवर को लेके जा रहे होते हैं एक लाइन में और उसको साइडों से ब्लाइंडेड कर देते हैं, उस तरह चल रहे होते हैं बिल्कुल, तो बहुत आसान होता है कि हम प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएं। फॉर इंस्टेंस स्टेट के लिए सबसे फ्रेंडली सिटीजन वो है जो कभी भी कोई क्रिटिकल बात नहीं करता। उसकी वजह यह कि वो जो चाहेगी मनवा लेगी उससे। पहले प्रिंसिपैलिटीज और किंगशिप्स में ये हुआ करता था कि बादशाह ने हुक्म दिया गर्दन काट दो इसकी, उसको उठा कर ले, उसको मार दो, इसको छत से फेंकवा दो। अब वो तो खत्म हो गया, मीडिया भी आ गया, आपके पास मोबाइल फोन्स भी हैं, ठीक है, स्क्रूटनी भी आ चुकी है, तो अब स्टेट के पास क्या चीज़ है आपको पागल बनाने की, आपको कंट्रोल करने की? प्रोपेगेंडा। द ओनली थिंग दैट स्टेट एक्सरसाइजेस ओवर यू एवरी सिंगल डे इज प्रोपेगेंडा। फोन उठाते हो वहां पे पोस्ट नजर आती है एक पार्टी की, टीवी लगाते हो वहां भी वही बोल रहे हैं, अखबार पढ़ते हो वहां भी उनकी ओपिनियन है। सो इट्स इनएस्केपेबल। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपने सच को छुपाना है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उस कमरे के अंदर, जैसे ये कमरा है, इसमें एक सीट के ऊपर एक पेपर पड़ा हुआ है, उस पर सच लिखा हुआ है। मैं हर सीट के ऊपर एक पेपर रख दूंगा, सच खुद ही छुप जाएगा। बिकॉज आई हैव यू नो काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसी में झूठ छुपा हुआ है, उसी में सच छुपा हुआ है। वो अम्यूजिंग ऑरसेल्फ्स टू डेथ किताब में हमेशा रिकमेंड करता हूँ लोगों को, नील पोस्टमैन की बुक है, वो ये कहता है कि टेलीविजन इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव रियलिटी से दूर लेके जाता है कि वो आप पे बॉम्बार्डमेंट कर रहा है इंफॉर्मेशन की। और वो कहता है कि 40 साल के एक एवरेज अमेरिकन ने अपनी जिंदगी में 10 लाख इश्तिहारात देख लिए होते हैं, ठीक है। आप जब तक 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं आपने 10 लाख इश्तिहार देख लिए हैं विदाउट गेटिंग कॉन्शियस अबाउट इट। एरियल का एड चल रहा है टीवी के ऊपर, एक बच्चा आता है माँ को कहता है मेरा कपड़े गंदे हो गए हैं, और वो 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, एड खत्म हो जाता है, एवरीथिंग एंडेड हैप्पीली। कोई और ऐड आप देख लें कि बच्चे को भूख लगी हुई है और वो नूडल्स बनाती है उसकी माँ, और वो फॉर्म लेकर आती है टेबल पे, वो खाता है, नहीं सैपी, सो एवरीथिंग इज एंडेड हैप्पीली अगेन। तो इससे एक मैस साइकोलॉजी क्रिएट हो रही है कि हमें तमाम प्रॉब्लम्स के बड़े इजी एडवर्टीजमेंट ड्रिवन सॉल्यूशन दिए जाएं। 10-20 सेकंड में हमें बताओ कि इस मसले का हल क्या है, और हम सुने और हम खुश हो जाए और तुम्हें वोट डाल दें। बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन हैज गॉट सो मच डिप्लीटेड, इट इज हिटिंग द रॉक बॉटम। इसी तरह पॉपुलिज्म की आगे मेरा ख्याल है बात करने का हमने कहा था, तो वो यही है कि सिंप्लीफाइड जो सॉल्यूशंस है ना वो इतने ज़्यादा इंग्रेंड हो चुके हैं दिमागों के अंदर कि कॉम्प्लेक्स थॉट जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है। आप सारे दिन में 10 मिनट मुझे बताएं जब आप बैठते होंगे फोन को छोड़ के इस तरह चुप करके सोच रहे, आई डोंट थिंक यू कैन फाइंड 10 मिनट्स राइट नाउ बिकॉज योर अटेंशन इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, इट इज एनाहिलेटेड। कोई भी ऐसे 10 मिनट दिन के नहीं है जिसमें आप सिर्फ सोच रहे हैं बैठे हुए विदाउट डूइंग एनीथिंग, because you're always occupied by the televised entertainment. So this is what I think, कि जब तक ये माशरे के अंदर जो oppression ये सारा जो exist करता है, ये इसीलिए करता है कि docile और बड़े agreeable masses होते हैं जो बड़ा आसानी से accept कर लेते हैं जो उनको भेजता है कोई। You talked about the idea of violence and campaigns. What do you think the concept of freedom of speech is then, and how do we really draw the line between freedom of speech and hate speech? Well, there is no universal definition of that, because हमारे यहाँ पे तो freedom of speech भी बड़ी paradoxical चीज़ है। उसकी वजह यह कि article 19 में लिखा हुआ है कि free speech जो है वो citizen का right है, but whenever there is this what about tree जो होती है ना, वो जहाँ भी आ जाती है इसका मतलब है there is a catch। तो catch ये है, but it should not go against the national interest, ठीक है। So it's almost saying you don't have any freedom of speech because the state will define its interest। आप तो डिफाइन ही नहीं कर सकते स्टेट का इंटरेस्ट क्या है, वो जो उसका दिल करेगा वो डिफाइन करके आपका राइट बंद कर देगी। तो ये चीज़ है कि हमारे यहाँ पर इतनी गारंटी नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बेसिकली। लेकिन अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंडर, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब तक एक आम शहरी को ये नहीं पता कि रियासत को उसने एम्प्लॉय किया हुआ है, वो रूल नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग मजाक में कह देते हैं ये कौम ही डंडे से सही होती है। इट इज़ एन इंसल्टिंग स्टेटमेंट टूवर्ड्स योर ओन सेल्फ to say कि ये कौम ही डंडे से सही होती है। I mean you are saying that you should be herded like an animal, क्योंकि इतना नॉर्मलाइज कर दिया आपने इस चीज़ को ये कह करके, डंडा अगर सर से हट जाएगा ये कौम ठीक नहीं होगी। नो, वी इंस्टॉल द गवर्नमेंट बाई आवर ऑन पॉपुलर वोट बाई आवर ओपिनियन एंड इट इज़ देयर टू सर्व अस, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप थॉमस हॉब्स की थ्योरी पढ़ें, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट था जिसने लिवायथन किताब लिखी, वन ऑफ माई फेवरेट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट बुक टू अंडरस्टैंड बट स्टिल, तो वो ये कहता है कि जब रियासत ने एक आपसे पहले गारंटी, आपने क्या मांगी उससे, सबसे बड़ी गारंटी ये मांगी कि मुझे मेरी जान की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, ज़िंदगी का दो,
ठीक है, और जो जॉन लॉक की थ्योरी है उसमें वो ये भी कहता है कि मुझे राइट्स दो, ठीक है, ये दो चीज़ें रियासत को गारंटी करनी है, और उसकी रेसिप्रोसिटी के अंदर उसके जवाब में मैंने क्या इंश्योर करना है कि रियासत की जो रेंट है मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ। लेकिन जो थॉमस हॉब्स की थ्योरी है वो ये बात करता है कि जहाँ रियासत ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो फिर आपने भी तोड़ देना है, और अगर एक ओप्रेसर आपकी ज़िंदगी को खतरात लाक कर रहा है तो आप बेशक उसको मार भी दें, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपहेल्ड किया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है बिल ऑफ राइट्स, जो कि पहले 10 अमेंडमेंट्स का नाम है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वन ऑफ द बेस्ट लेजिस्लेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो मैं कहता हूँ कि लोग पढ़ें, तो उसमें बात ही ये की गई है कि इफ़ द स्टेट आर्म्स इटसेल्फ अगेंस्ट यू, आर्म योरसेल्फ अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज द राइट ऑफ एन अमेरिकन सिटीजन। कैन यू एवर इमेजिन डूइंग दैट इन पाकिस्तान, दैट यू आर्म योरसेल्फ अगेंस्ट द स्टैंडिंग आर्मी और अ पुलिस? नो यू कांट डू दैट। तो बात यह है कि एक अमेरिकन सिटीजन को हम ये तो कह देते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होगी, हम तो झंडा लगा देंगे व्हाइट हाउस पर जाके, हम तबाह कर देंगे। तबाह मुआशरे ऐसे नहीं होते, उनके कानून जब तबाह होते हैं तब मुआशरे तबाह होते हैं। अमेरिका की 1776 से लेके 2022 तक की तारीख में सिर्फ एक एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ है, ठीक है, जो जापान ने किया था पर्ल हार्बर वाला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और उसके जवाब में एटम बम मारा था उन्होंने, ठीक है, आज तक कोई टेरिटरीबल लैंड नहीं कर सका उनकी। तो हम ये कहना बहुत आसान है, और ये सारे आर्गुमेंट्स का जवाब आपका ये होगा कि मैं अमेरिका का गुलाम हूँ, लेकिन बात ये है कि इट्स अबाउट परसुइंग अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच इज़ सो वेल सूटेड टू सिविल लिबर्टीज, जो कि हम इंश्योर ही नहीं कर सके यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पर यह है कि अगर किसी ने गाड़ी भी क्रॉस कर ली किसी एमएनए की, तो वो आके आपको फेंटी लगा के चले जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते इफ़ यू डोंट हैव द पावर टू नेगेट दैट। तो ये चीज़ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ तक बात है, तो जिस तरह मैंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, अब वहाँ पे सबसे बड़ा राइट्स का जो मसला वो गन वायलेंस का पड़ा हुआ है। रोज़ आप सुनते हैं किसी स्कूल में फायरिंग होगी, इतने बच्चे मर गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन चूंकि राइट टू बियर आर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है, उसको अमेंड करना रियासत के लिए इतना मुश्किल है कि वो अपने वहाँ पर एक सोसाइटल प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं कर पा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर रहे फिर भी। तो ये चीज़ है कि राइट्स सबसे पहले गारंटी इसकी हो ही तब सकती है जब हमें कॉन्शियसनेस हो के राइट्स होते क्या हैं। डेमोक्रेसी की मैं नहीं समझता किसी वोटर को डेफिनेशन पता है यहाँ पे, क्योंकि आप उनसे जाकर पूछ के आए वो नहीं समझते कि स्टेट ने कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको हम अबॉलिश भी कर सकते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि यार हमें ये रूल करने आए हैं और ये हुक्मरान हैं, हाकिम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्शियसनेस अपने राइट्स की जब वो आएगी, तो फिर हम ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उसको तोड़ के चला जाए। अब कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली जो एब्रोगेट हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा, पार्टी एफिलिएशंस होती हैं यहाँ पे जाहिर बात है, लेकिन उस सब के बावजूद मैंने ज़्यादा सेलिब्रेट करती देखा लोगों को उसमें कि यार कॉन्स्टिट्यूशन टूट भी गया तो क्या है, पहले किसी ने तोड़ा नहीं था क्या, और पार्टियों ने भी तोड़ा हुआ इसमें क्या। भाई पॉइंट ये नहीं था, ये तो एडोमिनम अप्रोच है कि मैंने उठ के कहा कि तुमने ये किया, तुमने कहा मैंने ये किया, बात खत्म हो गई, अपना जवाब किसी ने दिया नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने तोड़ दिया, उसके अलावा आप ये सोच देख सकते हैं कि अभी गार्डियन में स्टोरी लगी थी कि मार्शल लॉ को इनवाइट किया कि आके लगाएं आप, ठीक है। तो एक ऐसे लोग जो आपसे वोट का हक ही छीनने के लिए यहाँ बैठे हुए थे, आप लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, तो भागते रहें, मुझे तो कोई मसला नहीं, कंपैशन नहीं है मुझे इतना। लेकिन बात यही है कि वायलेंस की जहाँ तक बात है, तो ऑल वायलेंस इज़ नॉट बैड फर्स्टली। उसकी वजह यह है कि अगर किसी मुआशरे के अंदर हमने ये देखा है कि प्रोग्रेस कभी भी वायलेंस के बगैर आई, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज आइडिया। जेकब बर्कहार्ट की किताब है इसके ऊपर, और वो कल्चर को एक्सप्लेन करता है रेनेसांस के, और वो कहता है कि द कल्चर ऑफ रेनेसांस गॉट आउट ऑफ द कल्चर ऑफ बारबेरिटी। अगर मिडल एजेस जो जिसने यूरोप में इतनी तारीकी और इतना अंधेरा फैलाया कि वहाँ पर दो फिरके एक दूसरे की सालों तक गर्दनें काटते रहे, तो अगर वो वायलेंस यूरोप ना देखता तो मॉडर्न आइडियाज़ की रिस्पेक्ट ही ना करता। हमने तो कभी अपनी गलियों में इस तरह की वॉर होती देखी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने खोपड़ियों को मीनार बनते देखे। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है कि पीस को भी इतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन जब इंसानियत ये देख लेती है कि वायलेंस कितना हॉरेंडस फिनोमेना है, उसके बाद उसको समझ आती है कि पीस की वैल्यू कितनी बड़ी है। तो आर्ट्स उसी रेनेसांस के जो है वो कल्चर से निकल के आती हैं जहाँ पर पहले इतनी बारबेरिटी और इतना खून था। तो बात यह है कि जहाँ तक ये राइट्स की आप बात जो दूसरी कर रही हैं कि उसकी जो तफरीक है वो कैसे करें, तो वो यही है कि रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल होता है। कार्ल पॉपर की किताब है इसके ऊपर, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, तो उसमें वो ये कहता है कि हकूक और आज़ादी सिर्फ उसी को दी जाए जो उसको वापस भी करना चाहता है। लेट्स से कि मैं अगर चाहता हूँ कोई किसी भी तरह का लिबास पहने, तब मुझे हक है अपने मर्जी का लिबास चूज़ करने का, अदरवाइज नहीं है। ये बहुत बड़ी रेफ्यूटेशन है
एक क्लेम की जो आर्ग्यूमेंट होता है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, तो ये है कि अगर मैं ये सोचता हूँ कि किसी को भी हक है कि वो किसी भी तरह का लिबास पहन सकता है, तब सिर्फ मुझे हक है, अदरवाइज नहीं है। और जो वायलेंस स्टेट प्रैक्टिस करती है सोशल ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, वो नेसेसरी होता है। अगर वो ना करे तो फिर सोशल ऑर्डर तबाह हो जाता है। तो आई थिंक दैट आई स्टैंड फॉर रैशनैलिटी ओवर फ्री चॉइस, दैट्स व्हाट आई से। आप अपनी वीडियोस में बार बार पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम की बात करते हैं, एंड यू ऑल्सो बिलीव दैट डेंजरस फ्रीडम ओवर पीसफुल स्लेवरी, राइट? तो कैन यू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन अ बिट मोर डेप्थ टू आवर ऑडियंस? बेसिकली आई थिंक ऑल काइंड्स ऑफ फ्रीडम इज, यू नो, इट इज सपोज्ड टू बी डेंजरस बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्रीडम। वो नीचे कहता है कि इफ यू वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ देन बी अ पार्ट ऑफ अ हर्ड एंड लूज योर सेल्फ इन द हर्ड। उसकी वजह यह है कि 1500-2000 बंदे इकट्ठे हुए हैं, तो अपने आप को खो दो उस हुजूम के अंदर, क्योंकि उसका जो रहनुमा है जो आगे चल रहा है वही तुम्हारे फैसले करेगा। सारी तकालीफ और सारे जो पेचीदगियाँ दिमाग की वो उसने लेनी है। तुम आज़ाद हो गए हो तो तुम्हारे ऊपर ये भार नहीं है कि तुमने तमाम आइडियाज़ को खुद से सोचना है या खुद से उनके मसाइल हल करने हैं, खुद आंसर्स ढूंढने हैं, खुद जो है वो क्यूरियस होकर चीज़ों के सोल्यूशन निकालने हैं। तुम उससे आज़ाद हो गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है फ्रीडम के साथ, बिकॉज यू आर नॉट एस्क्राइबिंग टू अ पॉपुलर आइडियोलॉजी। तो वो हमेशा से डेंजरस ही रही है। उसकी वजह यह है कि उसमें सेफ्टी नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग, जब फाशिज़म की हम तहरीकें देखते हैं यूरोप के अंदर जो चली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, चाहे वो इटालियन फाशिज़म हो, नाज़िज़म हो जर्मनी के अंदर, तो उन दोनों में यही था कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक फ़र्द की जो हैसियत थी वो कहीं भी नहीं थी। सारे के सारे मुआशरे की ओपिनियन क्या थी कि जर्मन रेस की ग्रेटनेस के लिए काम करना है। सारे के सारे इटालियन फासिस्ट की ओपिनियन क्या थी कि इटालियन रेस को दोबारा से दुनिया की टॉप रेस बनाना है। तो इसीलिए उसमें फ़र्द की आज़ादी की बात सेकेंडरी हो जाती है, चाहे वो स्टालिन के अंडर जो हमने मार्क्सिज्म की तहरीकों के साथ होते हुए देखा बाद में, उसमें भी यही सब था। तो बात यह है कि कलेक्टिवाइजेशन की जो साइकोलॉजीज होती हैं, जो हर्ड साइकोलॉजी होती है, वो हमेशा फ्रीडम की अगेंस्ट ही रही है। क्योंकि अगर उसमें से ये सारे लोग एक पार्टी को वोट देने के सपोर्टर्स हैं, बीच में से एक निकल आए और वो कहे कि ये सब बकवास है, मैंने किसी को वोट नहीं देना, सब उसके खिलाफ हो जाते हैं, अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते पहले। तो डेंजरस फ्रीडम होती ये है कि आपके पास, आपके ऊपर इतना बड़ा बर्डन है अपने कंधों के ऊपर कि आपने अपनी वैल्यूज भी खुद डिफाइन करनी है, जो नीचे का कॉन्सेप्ट है वो ऊपर मंच का। उसमें वो कहता है कि वो ऊपर से उतर के आता है पहाड़ से और वो सामने एक मेला लगा होता है, उस पर एक टाइट रोप वॉकर वॉक कर रहा होता है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। तो वो आके उनको बताता है कि मैंने 10 साल इन आइडियाज के बारे में सोचा है और मुझे सोल्यूशंस पता हैं। जुडियो क्रिश्चियन मोरालिटी ने हमें बहुत हर्ट किया है, इसने आपको स्लेव बना दिया है। आप एक स्लेव की मोरालिटी पर यकीन करते हैं, आप वीकनेस को ग्लोरीफाई करते हैं, आपके कल्चर से प्राइड खत्म हो चुकी है, तो मेरी बात सुनो और मुझसे डिबेट करो। लेकिन वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि किसी और को सुनाओ ये बातें, जाके हमें अपना काम करने दे। तो उससे वो डिड्यूस करता है कि जो भी आइडियाज ऑफ क्वालिटी होंगे वो हमेशा क्वालिटी के लोग ही समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते। तो पहला आइडिया जो हर किसी को बड़ी आसानी से समझ आ जाए वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। हम एज अ मैस कम्युनिकेटर्स और जर्नलिस्ट ये बात करते हैं कि जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं वो झूठ बोल रहा है। इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू बेसिकली, बिकॉज यू आर सेइंग समथिंग व्हिच इज सो सेलेबल दैट एवरीबॉडी इज बाइंग इट, एवरीबॉडी लव्स यू, यू नो, एवरीबॉडी अग्रीज विद व्हाट यू आर सेइंग। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। उसका मतलब, उसका टेस्ट ही ये है कि आपने कोई ऐसी बात कर दी है जो इतनी आसान है एक्सटेंड होने में कि वो हर किसी को समझ आ जाएगी। तो ट्रूथ हमेशा वहाँ है जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि जो आसान से आइडियाज़ हैं जो दो लाइनों में बता दिए जाएँ आपको, वो कभी भी उसमें इतना ट्रूथ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो टिकटॉक का कल्चर आजकल प्रिवेल कर रहा है, जो 20-25 सेकंड के अंदर आप पूरी स्टोरी सुना देते हैं और लोग कहते हैं कि यार मुझे भी देख के एंजॉयमेंट मिल रही है, वो डोपामाइन का सैलाब है आपके दिमाग में जो आ रहा है, स्वैप कल्चर है बस, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो, तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को तबाह कर रहा है वो बेसिकली। तो वो है इसीलिए कि सिंप्लीफाई कर दिया तमाम आइडियाज़ को। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात है कि जहाँ तक राइट्स की बात कर रहे थे, उसमें भी यही है कि कॉन्सेंट्रेशन हमारी इस कदर डिवाइडेड है कि अगर हम एक पॉइंट के ऊपर उसको ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए इंसाइटफुली नहीं सोच रहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता सलूशन मिल जाए उसका हमें। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। लेट्स टॉक अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ न्यूज़। डू यू थिंक दैट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओज़ अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस वेरिफिकेशन
And what's your take on the breaking news culture? वेल बेसिकली न्यूज़ मीडिया की अगर बात करें तो मैं तो क्रिटिक हूँ उसका, ठीक है, और मैंने इस इंडस्ट्री में रहते हुए भी मैंने दो चार कमेंट्री जैसे की कि लोगों ने कहा क्या नौकरी से निकलना है, क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं देख लें। तो बेसिकली न्यूज़ मीडिया का भी यही है कि उसमें भी जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर की आपने बात की है तो उसमें भी सिर्फ तीन चार शहरों की इंपॉर्टेंस है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अगर कोई गायब ही नहर में गिर जाएगी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो, लेकिन बलूचिस्तान में या फार ऑफ पेरिफेरी एरियाज में या ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा मसला, जिस तरह आजकल बलूचिस्तान का जो पाइन जो है वो फॉरेस्ट है उसमें आग लगी हुई है, चार दिन हो चुके हैं, ठीक है, पूरी रियासत के पास आग बुझाने के लिए एक जहाज नहीं है, न्यूक्लियर आर्म कंट्री डज नॉट हैव अ फायर एक्सटिंग्विशिंग प्लेन, ठीक है, नोबडी इज रिपोर्टिंग अबाउट दैट, इट्स नॉट सेलेबल, क्योंकि सेलेबल वही होता है जिसमें एंटरटेनमेंट का फैक्टर है एक, इसीलिए जो जर्नलिस्ट बड़े बड़े बने हैं वो एंटरटेनर्स थे एक्चुअली, आमिर लियाकत साहब की अगर हम बात कर रहे हैं और लोगों की कहानी, तो बेसिकली वो एंटरटेनर्स थे ना, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड सैलरीज ली हैं, 70-70, 80-80 लाख रुपया एक ट्रांसमिशन का ले रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं कि यार ये ऐसे भी हो सकता है। तो इसी तरह न्यूज़ इंडस्ट्री है कि उसका काम तो इन्फॉर्मेशन देना था, लेकिन उसमें न्यूज़ एंकर भी सबसे अच्छा वही होता है जो सनसनी फैलाए। मतलब मैं एक जगह, मुझे याद है कश्मीर के ऊपर जब ये मामला हुआ था अभिनंदन वाला, उस पर ट्रांसमिशन की मैंने, बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, उसके अलावा कुछ रेजोल्यूशन यूएन की कोर्ट की और हिस्ट्री कोर्ट की, सारा कुछ किया। मैं अपने जो है वो बॉस के कमरे में गया तो मैंने फीडबैक लेना था उनसे कैसा किया मैंने, तो मैंने कहा यार मज़ा नहीं आया। मैंने कहा सर आप बताएं मुझे फिर क्या चीज़ बेहतर हो सकती है इसमें, या क्या मतलब मैंने कोई ऐसा आर्गूमेंट किया जो आपको रैशनल नहीं लगा, तो कहते यार देखो तमाशा लगाना सीखो। मैंने कहा सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आई लिटरली डोंट गेट दैट। उन्होंने कहा यार स्क्रीन के ऊपर वो चलता है जो तमाशा लगा सके, अगर तुम बैठ के रॉ फैक्ट्स और ये सारी पुरानी तारीख की बातें कर रहे हो और तुम बीच में हिस्ट्री कोट कर रहे हो और जो है वो इंटरनेशनल लॉस कोट कर रहे हो, कोई नहीं सुनेगा यार। बात ये है कि तुम एम्यूज़ कर सकते हो लोगों को कि नहीं कर सकते। तो वही नील पोस्टमैन वाली बात कि वो कहता है कि मीडिया का फंक्शन क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको गौर से सुनिएगा, मीडिया का फंक्शन क्या था, टू गैदर एन ऑडियंस एंड सेल इट टू एन एडवर्टाइजर, दैट्स इट। अगर कोई भी इसके अलावा आपको कहता ना कि मीडिया का कोई और फंक्शन है, झूठ बोल रहा है आपसे, ठीक है। मैस कॉम की 4-4 साल की डिग्रीज में लोग कहते हैं रिपोर्टिंग एथिकल होनी चाहिए, ओके, ठीक है, हम देख चुके हैं कि एथिक्स कितनी प्रैक्टिस होती है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ मुफ्त दिखाई जा रही है तो प्रोडक्ट आप हैं, दैट इज नॉट बींग सोल्ड टू यू, यू आर द प्रोडक्ट। नेटफ्लिक्स अगर आप देख रहे हैं इतने कम पैसों में इतनी एंटरटेनमेंट है, योर टाइम इज द प्रोडक्ट। हर रात को जो सीजन पे 2 घंटे लगाते हो वो प्राइस है उसकी, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है वो नहीं। तो बात यह है कि मीडिया का भी यही है कि एक ऑडियंस इकट्ठी करो, ठीक है, जिस तरह मैं अभी क्या मिसाल दूं, यहाँ कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आया हो तो हॉल एंड तक भरा हो, है कि नहीं, तो चूंकि मैं अम्यूज नहीं कर रहा, दैट इज वाई द ऑडियंस इज नॉट देयर अप टू दैट मार्क। और जितनी आ गई मैं इसको भी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं तो ये भी कभी मैंने सोचा कि इतनी आ जाएगी। तो बात यह है कि उसके लिए ये है कि अगर आपने एक हजूम को इकट्ठा करना है गली के कोने के ऊपर, तो कोई काल मार्क्स का डायलेक्ट पढ़ा रहा होगा उसको सुनने आएंगे, या जो बंदर लेके खड़ा होगा उसको सुनने आएंगे, उसको देखने आएंगे, उसी को देखने आएंगे जो तमाशा लगा रहा है, मेला लगाया हुआ है, जिसमें जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म पढ़ा रहा है या नीचे की थ्योरी पढ़ा रहा है, उसको सुनने के लिए 2 लोग भी पाकिस्तान में इकट्ठे नहीं होंगे। तो बात यह है कि तमाशा लगाओ और ऑडियंस इकट्ठी करो, और फिर वो ऑडियंस बेच दो एडवर्टाइजर को, ये मीडिया है। इसीलिए ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर जो आपने बात की है वो है ही इसीलिए कि इतनी ऊंची बोलो, ठीक है, इतनी यू नो यू शाउट एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। मेरे साथ सबसे बड़ा मसला शुरू में ये होता था कि मुझे कह रहे थे यार तुम बहुत आहिस्ता बोलते हो, जब मैंने रिपोर्टिंग स्टार्ट की न्यूज़ में आया तो मैंने कहा यार पिच बढ़ाओ इसको, तो इट वॉज ऑलमोस्ट इक्वल टू शाउटिंग, एंड आई यूज टू फील बैड दैट व्हाई डू आई नीड टू शाउट इफ आई कैन आर्ग्यू पीसफुली एज वेल एंड इफ आई नो व्हाट टू से। लेकिन उनका यह था कि टॉप ऑफ द वॉइस पे बोलना, अदरवाइज तुम अच्छे न्यूज़ एंकर नहीं बन सकते। तो रोल सिर्फ ये है कि एक ऑडियंस को इकट्ठा करो, रेटिंग लो। ऑडियंस कैसे इकट्ठी होगी, एंटरटेनमेंट से, क्योंकि वो अगर आप किताब पढ़ें सेपियंस, बड़ी मशहूर किताब है युवाल नोआ हरारी की, तो उसमें वो बात करता है कि इंसान की साइकोलॉजी ऐसे सेटल्ड हुई हुई है कि कॉम्प्लेक्सिटी उसको डिजी कर देती है। सारा दिन जब यूनिवर्सिटी से थक के जाते हो तो कोई किताब पढ़ने का दिल नहीं करता, मूवी देखने का करता है, क्योंकि थके हुए हो इसलिए। तो कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया उस टाइम मिलेगा तो नींद आना शुरू हो जाएगी। बल्कि मैंने कुछ लोगों को ये भी देखा है सोने के लिए किताब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही उठाते हैं नींद आ जाती है,
तो उसके लिए ये है कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो हैं वो डिजी करते हैं आपकी साइकोलॉजी को, तो अब उसका हल क्या है कि एंटरटेन करो. तो इसलिए इंफोटेनमेंट की जो एब्सर्ड टर्म है, इट इज अ डिस्गस्टिंग टर्म. इंफोटेनमेंट, व्हाट इज इंफोटेनमेंट, हाउ कैन देयर बी एंटरटेनमेंट इन इंफॉर्मेशन, आई फेल टू ग्रास्प दैट. लेकिन यही चल रहा है कि 11 बजे शो लगता है, रात को 5 बांड बैठे होते हैं सामने और वो जूते मार रहे हैं, एक तरफ खबरें भी शेयर हो रही हैं, सब एक अमेलगमेशन बना हुआ है, किसी को समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. इसी तरह न्यूज़ मीडिया के ऊपर है कि अब हम लोगों से वो क्या अक्सर बुलवाया जाता है कि कोई अगर किसी जगह दो लोगों की डेथ हो गई है तो रिपोर्टिंग में क्या लिखा हुआ है, दो लोग मौत की वादी में चले गए. मतलब वी थिंक अबाउट इट कि यार ये मतलब कौन कहता होगा, कभी आपने किसी को वन ऑन वन कहा कि यार वो तुम्हारे फैमिली में कोई मौत की वादी में गया. It's absurd, but people do say this on air because it has to sound sensational and Bollywoodized. तो इसलिए पर्पस ये था कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ऑडियंस गैदर करनी है, तो ऑडियंस गैदर करने के लिए तमाशा ही करना पड़ता है. सही कहा था उन्होंने जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि एक रियलिटी चेक दे दिया कि यार ये अपना सारा कर ले जो यहाँ नहीं चलना है. तो यही बात है कि ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर हो या मीडिया का जो कल्चर है पॉपुलर कल्चर, वो सिर्फ अम्यूजमेंट का कल्चर है. वो जितना अम्यूज़ करेगा उतनी रेटिंग ले जाएगा, जो चैनल सबसे ज़्यादा अम्यूज़ करेगा सबसे टॉप पे जाएगा. इसीलिए हमारे यहाँ पे दो इंग्लिश चैनल्स थे और दोनों अपनी लॉन्चिंग के पहले साल बंद हो गए बिकॉज दे वर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिवली. हमने अभी तक न्यूज़ मीडिया डिस्कस किया, लेकिन वी सी कि सोशल मीडिया में बहुत सारी आजकल फेक न्यूज़ चलती है. सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें किस किस्म की लेजिस्लेशन की जाए कि हम फेक न्यूज़ को काउंटर कर सकें, क्योंकि हमने देखा था कि एक पीका एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था और पिछली हुकूमत ने उसमें अमेंडमेंट्स भी की काफ़ी, लेकिन इट टर्न आउट टू बी डबल एज सॉर्ड और ये फिर उसमें कंक्लूड किया गया था कि हुकूमत अपने ही बेनिफिट्स के लिए उसको लॉ लेके आई थी. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट. पहली बात तो ये है कि अगर ये आप सोचते हैं कि फेक न्यूज़ ख़त्म हो सकती है, कभी टोटली इरेडिकेट हो सकती है, पॉसिबल नहीं. हमारी तो माशरती है, लोग ही सारी फेक है, पास स्टडीज ठीक है, वही फेक न्यूज़ का अमेलगम इतना बड़ा जो आप स्कूल में पढ़ते हैं कि अयूब बड़ा दिल रहनुमा होता था ठीक है, या इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको, पता नहीं क्या क्या. खैर वो बैटर ऑफ हिस्ट्री किताब है, के अजीज़ भी ज़रा पढ़ें, वो कहता है कि तारीख भी 23 मार्च नहीं 24 मार्च थी. खैर बात कहीं और चली जाएगी. तो बात यह है कि फेक न्यूज़ जो है वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है. वो अक्सर एक्सरसाइज भी लोग करते हैं ना कि एक पॉइंट से एक आर्ग्यूमेंट कान में बताते हैं और कहते हैं आगे बताते रहो, तो वो लास्ट एंड पे पहुंचने से पहले बिल्कुल चेंज हो जाता है. अगर कोई इंटेंट ना भी दिखाए झूठ बोलने की तब भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना ही पॉसिबल नहीं है. हर इंफॉर्मेशन के अंदर कोई ना कोई अमेलगमेशन आ जाता है इस तरह का, जो कि हमारी सब्जेक्टिविटी से ओरिजिनेट करता है और हमारी जो हम असर्ट नहीं कर पाते अपने आप को, सही अल्फाज नहीं मिलते इसमें, तो बिल्कुल इरेडिकेट नहीं हो सकता. लेकिन एक चीज़ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो डंडा है ये स्टेट के हाथ में दे देते हैं कि यार तुम बताओ न्यूज़ कौन सी फेक है कौन सी नहीं है. अभी एक चैनल को 3 बार जुर्माना हुआ और माफ़ी मंगवाई है यूके के अंदर उसको, ठीक है, क्योंकि वो फेक न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा था. किसने मंगवाई है? यूके की पार्लियामेंट ने नहीं मंगवाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं मंगवाई, अदालत ने मंगवाई है. तो बात यह है कि हर मुआशरे के अंदर, हम इमरान खान साहब को भी यही कहा करते थे, नवाज शरीफ को भी यही कहते थे कि हर मुआशरे के अंदर लाइबल लॉज एग्जिस्ट करते हैं. अगर मैंने किसी की साख को नुकसान पहुंचाया है, उसकी ज़ात पे हमला किया है रिपोर्टिंग के थ्रू, या कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया है जिसने बहुत हर्ट किया उसकी क्रेडिबिलिटी को, मुझे कोर्ट में ले जाए, सू कर दे, मेरे से डैमेजेस ले ले, बात खत्म. रियासत कौन होती है बीच में आने वाली? वो बीच में आके ये क्यों बता रही है कि यार ये खबर झूठी है, इसको उठा लो. तो एक प्रॉब्लम को सही स्पॉट किया कि फेक न्यूज़ है, किसी ने किसी को जो है वो बिलो द बेल्ट आर्ग्यूमेंट कर दिया या किसी ने गलत स्टैंडर्ड बना के उसको फैला दिया सोशल मीडिया के ऊपर. बिल्कुल स्क्रूटनी होनी चाहिए उसके ऊपर, लेकिन द स्टेट शुड नॉट एक्ट एज समबडी हु विल काइंड ऑफ यू नो अपहोल्ड जस्टिस इन दैट मैनर. क्योंकि जब आप स्टेट को ये राइट देंगे तो स्टेट के हज़ारों इंटरेस्ट होते हैं, हर पॉलिसी का अपना इंटरेस्ट होता है. अगर उसने कोई नया बिल पार्लियामेंट में लेके आना तो उसके खिलाफ जो बोल रहे हैं उसको भी फेक न्यूज़ के जुमरे में गाड़ी में डाल के ले जाएंगे. तो यही चीज़ है कि फेक न्यूज़ वाली जो बात है, मेरा ख्याल है कि उसका तायुन अदालतों को करना चाहिए, क्योंकि वही अगर आप जाके कोर्ट में किसी को सू करें, जस्टिस सिस्टम को अपना करेक्ट कर लें, सही कर लें, तो कोई भी मेरा ख्याल है कि ऐसी जरूरत नहीं कर सकता कि उठ के कोई भी डेफेमेटरी कैंपेन किसी के खिलाफ शुरू कर दे अगर कोर्ट्स काम कर रही हैं. दुनिया भर में यही होता है कि स्टेट डिसाइड नहीं करती फेक न्यूज़ क्या होती है. 1960s के अंदर बड़ा पॉपुलर एक केस है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने सीक्रेट फाइल्स वियतनाम वॉर की छापती थी. अमेरिकन मिलिट्री चली गई, अमेरिकन स्टेट पूरी, व्हाइट हाउस चला गया कोर्ट में और उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स को रोकें,
ये फाइल्स पब्लिश कर रहे हैं जो कि नेशनल सीक्रेट है. तो कोर्ट ने बिल ऑफ राइट्स को आगे से रेफर किया और उन्होंने कहा कि ये उनका राइट है, तुम कोई नहीं होते रोकने वाले उनको. और न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो छापा. और आज भी अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में लास्ट ड्रोन अटैक जो अमेरिका ने किया जाने से पहले, वो सिविलियंस पे कर दिया, मासूम लोगों को मार दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया. कोई रोक नहीं सकता उनको, अपनी रियासत के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहे थे. उन्होंने बताया कि नेटो फोर्सेस जो यहाँ पर करके गई हैं उन्होंने सिविलियंस को मारा है, कोई रोक नहीं सकता उनको. इसी तरह आप, मैंने हज़ारों टीवी शोज देखे हैं अमेरिका में जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे 11 बजे के शो में उसको फिंगर दिखाई जा रही है रात को, कोई कुछ नहीं कर सकता. तो प्रोटेक्शन इतनी ज़्यादा है वहाँ पर कि आप किसी भी इंसान को कोई बात करने से रोक नहीं सकते. हाँ, कॉन्सिक्वेंसेज जो उसके होते हैं, अगर वो उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकता, उसके पास सबूत नहीं है उसका, तो चाहे कोर्ट में सू करेगा और डैमेजेस लेके आ जाए, बात खत्म. लेकिन जो रियासत को हम ये कहते हैं कि आप तयन करें, आप फैसला करें फेक न्यूज़ क्या होती है, तो फिर वो अपने मुखालिफिन को पकड़ना शुरू कर देती है और जो डिसेंट है, जो तनकीदी आवाज़ें हैं, उनको बंद करना शुरू कर देती है. तो वो डबल एज स्वॉर्ड बन जाती है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फेक न्यूज़ का इदराक ज़रूर होना चाहिए, स्क्रूटनी भी होनी चाहिए, लेकिन ये फैसला अदालतों को करना चाहिए. We see that there's this rising trend of like easy earnings from social media that digitals have been getting attracted to, which causes these platforms to come on a rise. What is your opinion of this very trend? Well, basically, trend to baat ye hai ki sabse bada purpose aapke life mein ye hota hai ki aapne self actualize karna hai, aapne ye pehchanna hai ki aap khud kaun hai. क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आपकी तमाम एफर्ट्स ज़ाया हो जाएंगी, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए हो, कोई बिजनेस करना हो, नौकरी करनी हो, कुछ भी करना हो. उसकी वजह ये है कि वो मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स का एक पिरामिड होता है. अगर आप वो पढ़ें तो उस पिरामिड के टॉप पे जो सबसे बड़ी नीड होती है ना, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की होती है, बाकी सब बाद में आता है. तो बात यह है कि अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरे अंदर टैलेंट्स क्या हैं, मुझे ये नहीं पता कि मेरी पोटेंशियल क्या है, मुझे ये नहीं पता कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा तो मैं क्लिक कर जाऊंगा, इसमें जाऊंगा तो नहीं करूंगा. जैसे मैंने यहाँ पे, मैं आपको मजाक में मिसाल दे रहा था, घर वालों ने भेज दिया जाके अप्लाई कर दो, मैंने कर दिया. पीवीएम में एडमिशन हो गया, नहीं आया. मैंने कहा मेरे से नहीं, मुझे समझ नहीं आता क्या है ये, ठीक है फेल हो गया. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मुझे आपने फेल कर दिया, मुझे एडमिशन नहीं मिला. तो ये चीज़ है कि अगर मुझे समझ ना आती कि मेरे पोटेंशियल्स यहाँ लाए नहीं करते, तो मैं अब भी अपना वक्त ज़ाया कर रहा होता. आज अगर यहाँ पर बैठा हूँ इसलिए कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया है, अपना एनालिसिस कर लिया कि मैं कौन हूँ. तो अगर आप वो एनालिसिस ठीक कर लेंगे तो आप, मेरा नहीं ख्याल, किसी भी प्लेटफॉर्म पे फेल होंगे. ये कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट कासिम अली शाह. बात ये है कि इसका ये एक बहुत बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव पर्पज ऑफ लाइफ यही है, टू नो वट यू एक्चुअली नीड, एंड इफ यू नो दैट आई थिंक यू आर अनस्टॉपेबल. तो ऑनलाइन लर्निंग की बात भी है कि मैंने सुना वो दोस्त का यूट्यूब चैनल है या क्रिप्टो में काम कर रहा है, मैं भी शुरू कर देता हूँ. ही इज अ डिफरेंट पर्सन, यू आर नॉट द पर्सन दैट ही इज. किसी ने सीएसएस किया, हाँ यार वो मेरी फैमिली में कज़न है उसने किया, मैं भी कर लेता हूँ. ही इज अ डिफरेंट पर्सन, शी इज अ डिफरेंट पर्सन. तो बात यह है कि अपना एनालिसिस नहीं करना और भेड़ चाल में लग जाना. किसी ने बात की कि यार ये प्रॉफिटेबल है, इसमें लग जाओ, चलो ठीक है मैं शुरू कर देता हूँ. तो अगर कोई फील्ड सिरे से एग्जिस्ट ना करती हो, उसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, लेकिन आपने अपना एनालिसिस ठीक किया हुआ, आप वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे. लेकिन ऑनलाइन लर्निंग है या पैसे कमाना, उससे क्रिप्टो करेंसी है, मुझे बहुत से लोगों ने आके कहा कि यार बहुत पैसे कमाया कर ले. मैं कहा यार मुझे समझ ही नहीं आती क्या है ये, मैं नहीं कर सकता. क्योंकि बात यह है कि मैं उस चीज़ पर हाथ ही नहीं डालूंगा जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं है ये क्या चीज़ है. मैं कभी आके ओपन हार्ट सर्जरी तो नहीं कर सकता. वो और बात है कि जो मेरा काम है वो लोग आगे मुझे बताते हैं तुम्हारी सियासी राय गलत है, तो वो इसका बेनिफिट ले जाते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी सबके लिए है, वन मैन वन वोट, तो चलो ठीक है करते रहे. लेकिन बात ये है कि अपना एनालिसिस अगर आप ठीक करें तो आई डोंट थिंक यू कैन फेल. दैट द कल्चर ऑफ पॉपुलिज्म इन पाकिस्तान एंड पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स, हाउ विल दिस अफेक्ट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली? वेल आई थिंक ग्लोबली इट हैज शेप्ड द एंटायर ग्लोबल ऑर्डर. उसकी वजह ये है कि जिस तरह अभी एडवर्टीजमेंट वाली मैं फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहा था, तो बेसिकली ये पॉपुलिज्म भी यही चीज़ है कि जो उसमें ये है कि आप मुआशरे के अंदर जो सेंटिमेंट्स हैं पहले उसका एनालिसिस करें. मैंने इलेक्शन में खड़े होना है, मैं सेंटिमेंट्स क्या हैं, तीन चार. एक एंटी अमेरिकनिज्म का सेंटिमेंट है 1960s से. अयूब ने जब अच्छा खासा पैसा खा लिया अमरीका से तो बाद में किताब लिख दी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि दोस्त बनो मास्टर्स ना बनो हमारे. क्योंकि जब 65 वॉर हो गई तो उसने सारी जो सोवियत्स के अगेंस्ट जो एड ली थी वो उसने उस कहीं और जाके लगा दी, ठीक है. ऑपरेशन जिब्राल्टर की तारीख पढ़ लें, हैरान हो जाएंगे आप लोग.
तो उसका फिर ये हुआ कि अमेरिका ने बाद में सैंक्शन लगाना शुरू कर दी, एड बंद कर दी, तो फिर उसने किताब लिख दी और भी चीज़ें इस तरह की। तो बात ये पॉपुलिस्ट वो होता है जो पहले एनालिसिस करता है कि माशरे में जज्बात कौन से हैं, उसमें से एक जज्बे को पकड़ता है, फिर वो एलीट के खिलाफ उसको जक्स्टा पोज कर देता है, उसके सामने ले जाता है और वो कहता है कि दो ग्रुप्स बनाओ माशरे में, एक जिसमें एलीट या बुरे लोग हों, ठीक है, जिसमें जो इल इन्फॉर्म्ड हैं और जिनको कुछ पता नहीं है, जो करप्ट हैं, जिनकी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, तो उनको डीमनाइज करते रहो, उनको इतना कंडेम करो, इतना कंडेम करो कि तुम्हारा सारा फलसफा ये बन जाए कि मैं, मुझे नहीं पता मेरे में क्या क्वालिटी है लेकिन वो बुरे हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट्स दुनिया में बहुत जगहों पे आती हैं जो सिर्फ आके ये कहती हैं कि हम इसलिए आए हैं कि वो बाकी सारे बुरे थे, और उनका कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होता, उनका सिर्फ ये आर्ग्यूमेंट होता है कि बिकॉज दे ऑल आर एलिटिस्ट, दे आर बैड, दे आर करप्ट, दैट्स व्हाई वी आर इन पावर। तो उनके पास अपने कोई खास सॉल्यूशंस नहीं होते देने को, तो बहुत बड़ा थ्रेट है। उसकी वजह यह है कि ये सोल्यूशन नहीं है, और बात यह है कि चाहे करप्शन का एक नैरेटिव है, एंटी अमेरिकनिज्म का है और चीज़ों का है, दुनिया में कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता ही नहीं है जो जहाँ एक मैस स्केल के ऊपर, एक मैसिव स्केल के ऊपर इन्वेस्टमेंट आए और उसमें एक प्रपोर्शन करप्शन की ना निकले। अमेरिका जो कि शफाफ मुल्क है, ठीक है कहने को, जहाँ पर इस तरह के काम नहीं हो सकते कि आपने टीटी लगा ली या जो है ना कॉन्ट्रैक्ट भेज दिए, ये कर दिया। वहाँ पे अभी कोविड का फंड जो $2 trillion का था, ठीक है, उसमें भी अच्छी खासी अमाउंट चोरी हो गई, ठीक है। इस तरह जॉन मकेन जो कि वाइस प्रेसिडेंट था बुश का, उसने इराक में तेल के ठेके लिए अपनी प्राइवेट कंपनियों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के ऊपर रशियन इन्वॉल्वमेंट का इतना सब्सटांशिएटेड क्लेम था कि अच्छे खासे सबूत थे कि रशिया ने बीच में टांग अड़ाई हुई है, कोई उसकी गवर्नमेंट को डिरेल नहीं कर सका। व्लादिमीर पुटिन जो रशिया का प्रेसिडेंट था, उसका नाम पैनामा लीक्स में था। जी जिनपिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन है चाइना का 15 साल से, अभी भी प्रेसिडेंट है, उसके सारे रिश्तेदारों का नाम पैनामा लीक्स में था, कोई निकाल नहीं सका। बात यह है कि आपने 100 रुपये में से जो 10 रुपये चोरी हो रहे थे उसको रोकने के लिए तो हुकूमत ले आए आप, बाकी 90 कहाँ से कमाने हैं ये पता ही नहीं, ठीक है। तो वो क्योंकि आपने करप्शन की जो आउटपुट है उसको बंद करना है, तो हो जाएगी बंद। उसको बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रोजेक्ट लगाना बंद कर दो, करप्शन बंद हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह यह कि आपने पाकिस्तान में ड्राइवर भी रखना है ना, तो आप 15,000 तनख्वाह दोगे तो बाकी पेट्रोल में से पूरे करेगा वो, क्योंकि ये सर्टन आउटपुट जो ह्यूमन साइकोलॉजी की है इसको सिस्टम करेक्ट करता है फॉर द टाइम बीइंग। स्टेट्स के पास ये राइट ही नहीं होता किसी का हिसाब करें, कितनी हैरान कन बात है, कभी सुना है आप लोगों ने? स्टेट चोरी नहीं पकड़ सकती, स्टेट एज इन अ पॉलिटिकल पार्टी, वो इंडिपेंडेंट इदारे पकड़ते हैं, ठीक है। नैब या और इस तरह के जो इदारे हैं वो स्टेट के नीचे काम ही नहीं करते। जो आपको ये कह रहा है मैं चोरों को पकड़ लूंगा, झूठ बोल रहा है, क्योंकि चोर पकड़ने का कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट ही नहीं दिया। चली बात दूसरी चीज़ ये कि पॉपुलिज्म से खतरा ये है कि ये नॉन इश्यूज की पॉलिटिक्स करते हैं। मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, नियो फाशिज्म जो मैं देख रहा हूँ दुनिया में इमर्ज कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो नियो फाशिज्म है वो ये है कि फाशिज्म की बेसिक सेंस ये होती है कि एस्थेटिसाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में ब्यूटी को इनकलकेट कर दो। वो दुनिया के सामने खड़ा हो गया, वो UN में गया, वहाँ पे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, ठीक है, उसने बगैर पर्ची के तकरीर कर दी, यार मैं तो उसको वोट दूंगा। तो इस तरह की जो एस्थेटिक्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर कि वो चल के आ रहा है, पीछे गार्ड्स हैं, उसके टिकटॉक बनी हुई है, इसलिए मेरा लीडर है, ठीक है। मियां नवाज शरीफ हो गया या आसिफ अली सरदारी या कोई करप्ट पॉलिटिशियन और लोग, पॉलिटिशियन पाकिस्तान में आप ये सुन लीजिए आइंदा, वो बना करेगा जिसकी टिकटॉक बन सकती है, बिकॉज ही कूल, ही लुक्स कूल ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। इट्स नॉट अ नॉन सीरियस आर्ग्यूमेंट। जो मैं किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ आपको, अम्यूजिंग और स्टूडेंट, उसमें वो कहता है कि जो लिंकन डगलस डिबेट्स थी अमेरिकन प्रेसिडेंटशिप की 19th century की, एक डिबेट ऑन एवरेज 7 घंटे की थी, और 7 घंटे तक लोग बैठ के सुनते थे कि जिसको इलेक्ट करना है ये क्या क्या रहा है, इसकी पॉलिसी क्या है। इतने ज़्यादा विजिलेंट थे अपने लीडर्स को चेक करने के लिए। अब क्या होता है, आप किसी लीडर की 7 घंटे की डिबेट सुन सकते हैं किसी और के साथ? पॉसिबल ही नहीं। 7 घंटे आपको 10 दिन दिए जाएं आप पूरे नहीं कर सकते। तो इसीलिए पोस्टमैन ये कहता है कि लीडर अब वो बनेगा जो टीवी स्क्रीन पे अच्छा अपीयर कर सकता है। वो कहता है इट्स नॉट व्हाट यू गिव, इट्स व्हाट यू गिव ऑफ। मैं इधर बैठ के अगर बात कर रहा हूँ तो मेरी बातों में जितना भी सच हो, अगर मेरी शक्ल बता रही है ना कि शायद मैं सच नहीं बोल रहा, तो आप शक्ल पे यकीन करेंगे, आर्ग्यूमेंट पे नहीं करेंगे। तो इसी तरह पोस्टमैन ये कहता है कि टीवी पे आके जो झूठ बोलेगा और वो झूठ नहीं लगेगा,
वो जीत जाएगा, और जो सच बोलेगा लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस कम होगा, स्क्रीन पे अच्छा अपीयर नहीं कर रहा होगा, प्रेजेंटेबल नहीं होगा, आवाम उसे चूज ही नहीं करेगी। सो इट इज डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स इन द 21st सेंचुरी, जहाँ एस्थेटिक्स की पॉलिटिक्स होती है। और फासिज्म की तहरीक का सबसे बड़ा एक किताब है हैना अरेंट की, आप लोग पढ़िएगा, ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, बहुत अच्छी किताब है। तो उसमें वो एक्सप्लेन करती है कि नियो फासिस्ट जो फासिस्ट होते हैं उनकी जो पॉपुलर सपोर्ट वो कैसी होती है। वो कहती है कि ये वो लोग होते हैं जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं होता, इन पार्टीज की जो सपोर्ट होती है, जो फासिस्ट पार्टीज होती हैं, और वो उनका आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये होता है कि उनको बाकी सबसे नफरत होती है। सो फासिस्ट तरीके सिर्फ ये करती हैं कि वो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती हैं कि इधर आके अपने मुआशरे के बारे में जितनी बुराइयां हैं वो बोल दो, और वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने पे उनको पावर मिल जाती है। क्योंकि बेसिकली हैना अरेंट कोट अन कोट ये कहती है कि फासिज्म चूजेस इट्स सपोर्टर फ्रॉम अ मैस ऑफ इनडिफरेंट पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो जो भी आजकल आपको बड़ा पैशनेट लग रहा होगा ना पॉलिटिक्स के बारे में, उससे पूछो 18th अमेंडमेंट क्या होती है, ठीक है, उससे पूछो परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है, उसे पूछो कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी डिजाइन था अफगानिस्तान के लिए, उसके ब्लोबैक्स के हैं, दे वोंट नो एनी डैम थिंग, बट दे आर सो मोटिवेटेड अबाउट पॉलिटिक्स, दे आर सो पैशनेट दैट दे विल लाइक टू टेक डाउन एनीबॉडी हु गोज अगेंस्ट देम, इतना पैशन है। तो इट्स अ फास्टेस्ट पैशन बिकॉज इट्स नॉट ऑफ इशूज, इट्स ऑफ एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी। वी नीड अ प्रेजेंटेबल लीडर हु कुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द फोर्सेज ऑफ यू नो इंपीरियलिज्म और ये वो स्ट्रेंज चीज़ें, और वो बहुत आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है ये नज़रिया, क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस बहुत सिंप्लीफाइड है। वही बात एरियल की एड वाली कि अभी कपड़े करते हुए अभी धुल गए बात खत्म। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, जो नेशनल इश्यूज हैं, अगर आप मेरे से यहाँ बैठ के पूछेंगे पाकिस्तान के मसाइल का हल बता दें, मैं नहीं बता सकता। सेंचुरीज की डेवलपमेंट्स होती हैं स्टेट्स की, ठीक है, जिसमें वो अपने पॉपुलर इशूज को सॉल्व करते हैं। लेकिन इन लोगों ने आपको क्या बताया, दो बंदे हैं उनको जेल में डालो, करप्शन खत्म, या वो 200 बिलियन बाहर पड़ा हुआ, 200 बिलियन वो लाओ, IMF के मुंह में मारो, कर्जा खत्म। सिंप्लीफाइड अब्रप्ट सॉल्यूशंस टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, दिस इज फासिज्म, दिस इज पॉपुलिज्म, दैट दे आर फीडिंग यू विद वेरी सिंप्लीफाइड क्लियर इजी टू डाइजेस्ट आंसर्स, एंड यू आर बाइंग इट वेरी वेरी नाइसली। सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि आई थिंक इट इज जितने ब्रुटैलिटी इंसानी तारीख में हुई है वो इसी वजह से हुई है कि जर्मनी जो कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड सिटीजनरी थी यूरोप की, जिन्होंने दुनिया के बेहतरीन जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल से लेकर नीचे की तरह के फिलोसोफर्स को पढ़ा हुआ था, उन्होंने हिटलर इलेक्ट कर लिया इस वजह से, दुनिया की सबसे ख्वानदार पढ़ी लिखी कौम ने। तो आप लोग किस खेत की बोली हैं, हमारे तो लिटरेसी रेट ही नहीं है इतना। तो ये फासिज्म और इस तरह की तरीके हमें तो 2 सेकेंड में लपेट सकती हैं। एक नज़रिया क्या देना है कि वो जी वो हम लड़ लेंगे उनसे, हम उनके खिलाफ हो जाएंगे, हमारे खिलाफ मुदाखलत हुई है, हम तुमसे बदला ले लेंगे। वो भाई $3 अरब नहीं मिलेगा तो तुम्हारे बैंक्स बंद हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बात कर रहे हो, कोई रियलिज्म की तुम्हें सेंस है? लेकिन यही है कि इट्स सो कैची एंड सो अट्रैक्टिव इन लिसनिंग कि ये साउंड करता है इतना अच्छा कि इंसान फिदा हो जाता है इसके ऐसे आइडियाज के ऊपर। एक तकरीर सुनता है उसको तमाम मसाइल का हल मिल जाता है, उसको रात को नींद सुकून से आती है। तो इसीलिए ये तरीके हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एजुकेशन है, ना क्रिटिकल लर्निंग है, और ना हम लोग स्क्रूटनाइज करते हैं लीडरशिप के जो आइडियाज़ होते हैं उनको। तो सोशल मीडिया हो गया और चीज़ें हो गई, इन्होंने पॉपुलिज्म को वेपनाइज कर दिया। वी आर सिटिंग डक्स। So what are your views on the theory of real politics and how do you think Pakistan can work towards forming integrative political parties? Well, for the people who don't have a political science background, realpolitics was an idea. Initially, Machiavelli talks about it in his book, The Prince. Philosopher tha Italy ka, aur wo baat karta hai iske upar ke prince wo hona chahiye jo ethics ko politics se nikal de, yani ki akhlaqiyat ki siyasat na kare, kyunki siyasat mein akhlaqiyat nahi chalti. To sabse bade hum is cheez ko matlab I totally buy this argument, uski wajah ye hai ki wo किसिंजर भी कहता था कि डिप्लोमैट इज द वन हु कुड लाई फॉर हिज कंट्री, द पॉइंट इज नॉट टू स्पीक ट्रूथ ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। उसमें प्रैग्मेटिज्म चलता है। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है कि जो चीज़ अफेक्टिव है इंटरनेशनल स्टेज पे तुम्हारे नेशनल इंटरेस्ट में वो करो, वो नहीं करो जो कि तुम्हारे मॉरल स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरती है।
तो इट्स एंटी आइडियलिस्टिक एंड प्रो रियलिस्ट जो रियल पॉलिटिक है. अब उसमें हमें हेल्प कैसे मिल सकती है? आई थिंक देयर कुड बी अ रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री इफ वी अडॉप्ट दिस डॉक्ट्रिन, क्योंकि हमने हमेशा सुहाने ख्वाब देखे भी हैं, दिखाए भी हैं कि हम लाल किले पे झंडा लगा लेंगे दिल्ली के जाके, या फिर हम जो है ना वो बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े, हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, स्पेन तक पहुँच गए. लेकिन अब बात यह है कि अपना कराची चल नहीं रहा, उधर बिजली नहीं आ रही, लेकिन बहरे जुल्मात पे घोड़े पहुँच गए हमारे. ये हमारा जो है ना वो नेशनल डिलूजन है एक. तो रियल पॉलिटिक और रियलिज्म की जो पॉलिटिक्स है वो हमें ये बता सकती है कि तुम कौन हो, क्योंकि वो तुम्हें इस बात का इदराक करवा देगी कि तुम्हारा, वो कहते हैं ना चादर देख के पाँव फैलाना. तो वो अगर आपको ये पता है कि आप कौन है, आप कितने वीक हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, आपकी कोई बात सुनता नहीं है. मियां नवाज शरीफ साहब यूएन में तकरीर करने के लिए गए थे, सामने हॉल खाली हो गया था, इतने भी नहीं बैठे थे जितने यहाँ बैठे हैं. इट्स अ नेशनल शेम दैट पीपल डोंट इवन वांट टू लिसन टू यू. ठीक है, 1.5 अरब की आबादी यूएन का जो बजट है उसमें 0.7% कंट्रीब्यूट करती है और एक्सपेक्ट करती है कि ये कश्मीर के फैसले हमें करके देंगे. क्यों करके दें आपको? What are you paying off? Nothing. Japan alone and America alone is contributing more than 25%. आपके तमाम मुस्लिम ममालिक 0.7% दे के उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फलस्तीन पे फैसला करके दो हमें. क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि ये तो जस्टिस के लिए बने हैं. नो, एवरीथिंग इज पावर इन द इंटरनेशनल स्टेज. जिसके पास ताकत है वो आके, वो कहते हैं विनर टेक्स ऑल. इराक में अमरीका ने हमला कर दिया, बाद में सिक्योरिटी काउंसिल में दरख्वास्त डाली कि क्या ये लीगल है या नहीं. हमला करने के बाद उन्होंने बाद में भी कह दिया हाँ ठीक है कर दिया तो लीगल ही होगी, क्योंकि वो अमेरिका के आगे खड़े नहीं हो सकते. तो आप सिर्फ इतनी पावर एक्वायर कर लें कि आपको, आपके जो सारे फॉरेन पॉलिसी डिजाइन और आइडियाज हैं उनके सामने को खड़ा ना हो सके, तो आपको कोई मॉरलिज्म नहीं चाहिए, आपको कोई ये नहीं चाहिए मगरब के आगे खड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. वो कीजिए जो आपके कौम को फायदा देता है. जापान में नागासाकी में बम मारे थे उन्होंने, आज जापान की विक्ट्री ये है कि व्हाइट हाउस में पैनासोनिक का टीवी लगा हुआ है जो उनकी प्रोडक्ट है. दिस इज द जापानीज रिवेंज. तो बात ये है कि आपने हमेशा से वो तरीका लिया जो डिलूशनल है. आपको दिखाया गया, मैं नाम नहीं लूंगा, एक ड्रामा दिखाया गया, आपको बताया गया कि जी ये हमने वो करना है, गर्दने उड़ानी है, ये वो दौर गुजर चुका है. अब आपने अगर किसी से लड़ना है तो अब आइडियाज की जंग है. आप 40-50 अरब डॉलर के सीपैक पे नाच रहे हैं, 250 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट है इंडिया की एक साल की, जो आप लोग भी पढ़ रहे हैं यहाँ बैठे हैं, 250 अरब डॉलर की, 180 अरब डॉलर पिछले साल थी, अब उससे भी बढ़ चुकी है, और आपको तलवारों के ख्वाब आ रहे हैं अभी. तो बात यह है कि 21वीं सदी के अंदर वॉरफेयर तब्दील हो चुका है, ये समझता कोई नहीं है. मतलब ये किस कदर बड़ी ह्यूमिलिएशन है उस मज़हब के लिए जिसके हम पैरोकार हैं कि हम, हमारी कोई बात नहीं सुनता. क्या हम अपने मज़हब को एक सर्विस कर रहे हैं ये करके? नहीं. अगर हमें अपने मज़हब की सरबुलंदी चाहिए तो हमें अफेक्टिव होना पड़ेगा, तब हमारे आइडियाज़ को लोग मानेंगे. सुलह हदीबिया की स्पिरिट पढ़े क्या थी, इट वॉज अ प्रैग्मेटिक एंड एनलाइटन डॉक्यूमेंट. मदीना चार्टर के अंदर, जिसकी बात पर ये हुक्मरान आजकल बड़े करते हैं बताते नहीं हैं, इसके अंदर मदीना के जो ज्यूस थे उनको राइट्स देने की भी बात की हुई है, और ये कहा हुआ है कि मदीना के ज्यूस भी उम्मत का हिस्सा है. इतनी एनलाइटनमेंट थी इस मजहब में, जिसको आपने बिल्कुल आके अपने, अपनी सियासत चमकाने के लिए पता नहीं किस तरफ मोड़ दिया, क्योंकि इफेक्टिवनेस ही खत्म हो गई. आपकी दुनिया ही कोई और बनी हुई है कि हमें ठीक है यहाँ कुछ ना हो कोई बात नहीं आगे मिल जाएगा. भाई यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें तो फिर क्या मिलेगा? यू हैव फेल्ड. बात यह है कि इतना सा ट्राइब अरब के सहराओं से उठता है और कॉन्टिनेंट्स कॉन्कर कर लेता है. क्या बताता है ये आपको? अफेक्टिवनेस. दे न्यू हाउ टू मेक थिंग्स वर्क, नथिंग एल्स. यू डोंट नो दैट बिकॉज यू आर स्टिल इन द 7th सेंचुरी. तो आप लोग जिस चीज पे यकीन करते हैं वो सऊदी सलाफिज्म है, और आप लोग डिफ्रेंशिएट ही करना भूल गए हैं कि एक चीज जो इमर्ज ही 20वीं सदी में हुई है, आपने उसको ऑल एनकंपसिंग ट्रूथ मान ली है. इस थियोलॉजी के अंदर अली शरियती को पढ़ लीजिए, ईरानियन फिलोसोफर था, उसने मार्क्सिज्म को शियाइज्म के साथ अमेलगमेट करके फिलोसफी दी, रेड शियाइज्म कहते हैं उसको.
आपने तो मजहबी फिलोसोफर्स को भी नहीं पढ़ा, आप मुझे मेरी बात बेशक ना मानिए कि मैं कह रहा हूँ एग्जिस्टेंशियलिस्ट को पढ़ें, अल्बर्ट कैमू को, नीचे को पढ़ें, ना पढ़ें, लेकिन बात यह कि आपकी किसी चीज़ में क्वालिटी नहीं रही कि अगर आपने मजहब के बारे में भी आर्ग्यूमेंट करना है आपके पास कोई बेसिस ही नहीं है उसकी, बस ये कह रहे हैं ये ना करो वो ना करो। इसीलिए जो नौजवान हैं आजकल के, क्यों वो ऑनलाइन चीज़ों पर प्रॉब्लम्स को कंसल्ट करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में ऐसे मुफ्तियाने कराम नहीं मिल रहे जो उनके मसाइल का हल दें, क्योंकि वो आगे से मुंह बंद करवा देते हैं। तो बात ये है कि रैशनल थियोलॉजी की मजहब के अंदर पूरी ट्रेडिशन थी जिसको आपने दबा दिया, आपने इश्तिहाद के दरवाजे बंद किए, क्या कुछ नहीं किया आपने, और आपने डिससर्विस किया, दोबारा कहूँगा रिलीजन की भी, जिसको रिवर्स करना मकसूद है। जहाँ तक इन फिलोसफीज की बात है तो मैं जो नीचे का जो आइडिया ओबरमेंच का तो मैंने एक्सप्लेन भी किया, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पोजिशन बिकॉज जस्ट टू रेज अ मॉरल सिस्टम फ्रॉम द स्क्रैच बींग अ मैन इज वेरी डिफिकल्ट, सो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल फॉर एवरी वीक इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस दैट। तो उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, इसी तरह एग्जिस्टेंशियलिज्म है कि उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए टू बी एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट, क्योंकि सारी एग्जिस्टेंस का बर्डन आपके दिमाग के ऊपर है, आपने तो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना है, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचना है, तो बहुत ज़्यादा लेबर बढ़ जाती है इंटेलेक्चुअल आपकी, बट आई थिंक दैट इट इज़ ओनली पॉसिबल विद ब्रेवरी एंड आई सी ब्रेवरी इन अब्सर्डिज्म। I think human consciousness is a tragic misstep in evolution. This is famously said by Matthew McConaughey in the series True Detective. So do you think there is any meaning to life, or our consciousness makes us want to attribute some meaning to everything even when there is none? Well, then again, if you are an existentialist, you can't say that there is an all-encompassing meaning in life. Because agar maine hi bata diya ki yaar tumhari zindagi ka maqsad ye hai, to main fir us tarah ka existentialist to nahi hua na, ki main मीनिंग्स उस तरह से डिफाइन, पोस्ट मॉडर्निज्म की जो सारी तहरीक है वो है यही कि योर ट्रूथ इज योर ट्रूथ, माय ट्रूथ इज माइन, एज फार एज द राइट वे इज कंसर्न्ड इट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स अ नीचियन कोड बेसिकली। तो ये है कि अब मैं मेटा नैरेटिव तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि आपके तमाम मसाइल का हल इस चीज़ से निकल आएगा, और मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला, उसको खुद तलाश करने दो, इंटरनलाइज करें वो मीनिंग। तो इसी तरह मीनिंग के बारे में भी मेरा यही कहना है कि वो इंटरनलाइज करे मीनिंग को, तो फिर वो सही मीनिंग होगा। अगर बाहर से इनकलकेट किया हुआ मीनिंग है तो वो इतना ग्राउंडेड नहीं होगा कि वो उसके मसाइल को हल कर सके। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात ही ये है कि आप फलसफा भी वो चुनते हैं जो आपकी साइकोलॉजी को सही सूट करता हो। बहुत से लोग कहते हैं नीचे पढ़ना है बता देना, कहता हूँ तुम्हारी नेचर कैसी है पहले वो बताओ। हर किसी को एक किताब रेकमेंड नहीं कर सकते। अगर मैं कंपैशनेट हूँ, मुझे आवाम का दर्द बहुत होता है, मैं मार्क्सिस्ट बनूंगा। अगर मैं बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हूँ और मुझे कोई सरोकार नहीं है माशरे से, लेकिन मुझे अपने आप के मसाइल हल करने हैं, मेरी बैटल एक अंदरूनी बैटल है। वो नीचे ने कहा था ना कि इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन द एब्सेंस ऑफ वॉर द वॉरियर अटैक्स हिमसेल्फ, के जब एक बड़ा चैलेंज नहीं होता कुछ दबावों के लिए माशरे में, तो वो अपने ऊपर ही अटैक शुरू कर देता है, अपने अंदर से सोचना शुरू कर देता है, डिप्रेशन को भी खुद ही से बना लेता है जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा होता। तो बात ये है कि अगर मैं अपनी साइकोलॉजी का सही एनालिसिस करूँ तो मैं उस तरह के फ़लसफ़ी को पढ़ूँगा, उस तरह के फिलोसोफर को पढ़ूँगा जो मेरी साइकोलॉजी को सही सूट करता है। क्योंकि अगर आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स उस तरह काम करता है तो आपको जो दुनिया का जितना बहुत से जो एथीस्ट जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो यही गलती करते हैं कि वो ये कहते हैं कि यार देखो हमने गलत साबित कर दिया, तुम फिर भी मजहब को मानी जा रहे हो। उन्हें ये समझ नहीं आती कि भाई इट्स अ साइकोलॉजिकल नीड, यू नो इट हैज मोर पर्पसेस टू अचीव देन यू थिंक इट कैन। तो वो इस मुगालते में पड़े होते हैं कि एक चीज एवरीबडी केयर्स फॉर ट्रूथ, नो पीपल डोंट केयर फॉर ट्रूथ, दे केयर फॉर सेफ्टी। A lot of people care for safety before truth. अगर एक सच जो उनकी सारी एग्जिस्टेंस को हिला के रख दे वो सच भी होगा, वो नहीं मानेंगे उसको। They will look and seek out for something which gives them comfort. तो ये चीज़ है कि इसमें जो all encompassing meaning की जहाँ तक बात है, I think it is open to interpretation and psychology. I am nobody to force anyone to believe in a meaning. So I will leave it to the other person. Now we'll be moving on to our last question for the day. Do you feel that one day, maybe a few thousand years later, science will be able to answer questions that we can't right now?
I think only science will get there because only science is in pursuit to get there. क्योंकि बात ये है कि इन सवालों के जवाब सोच ही साइंस रही है और कोई नहीं सोच रहा. और सबसे बड़ा दोबारा से यही कहूँगा, हमारा जो करतूत है हमारी एज अ नेशन वो ये है कि हमने साइंस को मजहब के सामने लाके खड़ा कर दिया और कहा कि ये दोनों कोलाइडिंग आइडियोलॉजीज हैं. उससे इतना नुकसान हुआ कि हमने करिकुलम जैसे डिजाइन कर दिए कि तमाम सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट हैं. बायो उठा लो, फिजिक्स केमिस्ट्री, सब में एक ही फलसफा है, कोई फर्क ही नहीं है, एक दूसरे में कोई डिफरेंस नहीं रहा. साइंटिफिक रैशनलिज्म की निगेशन पे स्टेट बना दी हमने. वजीर आजम साहब कह रहे हैं मैंने सूफीज्म को साइंस से मिक्स करना है, ठीक है, जो कि नहीं, इस तरह की बातें करनी चाहिए. उसकी वजह यह है कि आप डिलूड कर रहे हैं मैसेस को. आप ये बता रहे हैं कि एक रिसर्च पैराडाइम को एक फेथ के साथ, एक अब्राहमिक रिलीजन के साथ आप इन्फ्यूज कैसे कर सकते हैं इस तरह से स्टेट लेवल के ऊपर. खैर ये बात तो कहीं और चली जाएगी. मेरे कहने का पॉइंट ये है कि साइंस जो है वो दिस वर्ल्डली अफेयर से डील करती है, ठीक है. साइंस प्रोटेस्टेंटिज्म की तहरीक से उठती है जो क्रिश्चियनिटी की तहरीक थी. मजहब ने साइंस को जन्म दिया है मगरबी माशरे के अंदर. मैं अपने मजहब की बात नहीं, उनके मजहब की बात कर रहा हूँ. क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म की जो तहरीक थी उसने साइंटिफिक रैशनलिज्म को जन्म दिया. उसकी वजह यह है कि मार्टिन लूथर की तरह के जो लोग थे जिन्होंने पब्लिक स्कूल्स बनाने की बात की जर्मनी के अंदर, उससे वो चीज़ निकलती है कि प्रॉब्लम इस ज़मीन के ऊपर भी तो सॉल्व करनी है ना अपनी. तो उसके लिए साइंस ने हेल्प करना शुरू किया. घर बैठ के आप किसी रिश्तेदार से हज़ार मील दूर बात करते हैं, साइंस ने आपके लिए आसान बनाया, ठीक है. इलाज करवाने जाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, दोबारा से आँखें मिल जाती हैं आपको. आजकल तो अगर बाजों टूट गया वो फिक्स हो जाता है. ये तमाम चीज़ें साइंस ने इनेबल की हैं. तो आप इससे दुश्मनी मत कीजिए, ठीक है. इसको अपने बिलीव्स के ख़िलाफ़ मत लेकर आइए. इन दोनों मैदानों को मुख्तलिफ रखिए, ठीक है. जब एक जंग ख़त्म होती है तो उसके बाद कहा जाता है कि मुसलमान बच्चों को जो पढ़ा देगा उन कैदियों को रिहा कर देंगे. उनको तालीम देने की बात की जा रही है, फिका पढ़ाने की बात नहीं हो रही थी. बात ये हो रही थी इनको ख्वानदा जो कर देगा, जो इनको पढ़ना सिखा देगा. इसी तरह मैंने अरब फिलॉसफी की ट्रेडिशन आपके सामने कोट की. टर्की के अंदर आप देख लें, मलेशिया के अंदर आपसे ज़्यादा मुसलमान है, आपसे ज़्यादा मसाजिद है, वहाँ पे दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक बन चुका है. डिलूजन को बाहर फेंक दिया इसीलिए. तो आप लोग जिस डिलूजन में पढ़े हुए हैं ज़रूर पढ़िए, लेकिन अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है तो, अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करी तो रीथिंक कीजिए उसको. तो जहाँ तक ये आंसर्स की बात है तो वो हमेशा से कोरोना वायरस को देख लीजिए आप. COVID-19 जब आता है हमारा तो सोशल ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो गया था. आप यहाँ नहीं बैठ सकते थे उसके बगैर, अगर आज आप सब ने जैब ना लगवाया होता उसका तो. व्हाई आर यू नॉट थैंकफुल टू समथिंग लाइक दैट? आई इट इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन. आई हैव सीन पीपल शेडिंग साइंस फॉर नो रीजन. आई हैव बीन टू मेडिकल कॉलेजेस वेयर मेडिकल डॉक्टर्स आर टेलिंग मी दैट साइंस इज़ बुलशिट. It is utterly unimaginable for me to believe that people could say something like that, because that is their bread and butter. It's like saying that कि मैं कहूँ कि बोलना बकवास होता है, आप कहें कि पढ़ना बकवास होता है. तो ये चीज़ है कि हमने बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर एक मुनाफिकत का रवैया शो किया और उससे हमें नुकसान हुआ है. क्योंकि आज के दौर में जो साइंसी मैदान में जीत रहा है उसी कौम की हुक्मरानी है, उसी के आइडियाज हैं, ठीक है. इतना सा इसराइल है जिसको आप और मैं थक गए हैं बदवाएं दे दे के, लेकिन चार जंगें आपने लड़ी उससे, और उन्होंने लबनान की तो पूरी एयरफोर्स ही उड़ा के रख दी ना. आधे मुल्कों को उन्होंने वैसे ही अपाहिज कर दिया मिडल ईस्ट के अंदर लड़ने जाके उनसे. आप लोगों के पास न्यूक्स हैं, मैन पावर है, क्या कुछ नहीं है, फेथ है, आइडियोलॉजी है, लेकिन ये मैदान रैशनलिज्म का है, ये मैदान साइंस का है, ये मैदान प्रोडक्टिविटी का है. तो ये इसमें आप तभी प्रिवेल करेंगे जब आप मॉडर्न आइडियाज को एक्सेप्ट करते हैं. मॉडर्निज्म इज नॉट वेस्टर्निज्म. सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये है कि जैसे ही आप मॉडर्निज्म की बात करें वेस्टर्निज्म का इल्ज़ाम लग जाता है. मुख्तलिफ चीज़ें हैं. जिद्दत हासिल करना मगरबियत हासिल करना नहीं है, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है. तो साइंस क्यूरोसिटी को प्रमोट करती है, उसकी लिमिट्स कोई नहीं होती है, और वो हम्बल होती है. वो कहती है आके मुझे डिसप्रूव कर दो, मैं मान लूँगी. तो यही उसके नॉलेज के परसूट का आई थिंक राज है, एंड
it will keep going on, I think. And I don't think that we can know all truths out there. हम तो अपनी I guess 95% mind से भी aware नहीं है. वो सारा dark mind है, जिसको बहुत से psychologists जो हैं वो Carl Jung की तरह के कहते हैं कि unconscious, जो basic आप लोगों का purpose भी होना चाहिए life का, कि unconscious को conscious में लेकर आएं. तो हम तो उसको भी नहीं जानते. And we know very, very little. We still don't know a lot of things about existence. It doesn't mean that you know we are very intelligent beings or whatever. लेकिन बात ये कि अगर curiosity है, अगर intent है, अगर नियत है, तो फिर वो एक path पे चलते चलते बहुत कुछ originate हो जाता है. और एक वो time था जब ज़रा सा जख्म होना तो इंसान मर जाया करता था. 30-35 साल की average age होती थी. Malaria आया तो उसका नाम bad air, mal air रखा हुआ था, कि हवा में कोई चीज़ है जो मार रही है हमें. ठीक है, 25% आबादियाँ वाइप आउट हो गई. जो रोमन एम्पायर के ऊपर कब्जा किया जब अरब्स ने, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वहाँ एंटोनाइन प्लेग आया हुआ था. पूरी पूरी फौजें मर जाया करती थी एक प्लेग से. आज साइंस बंद बांध देती है उसके आगे, लेकिन बात वही है कि थैंकफुल नहीं हम लोग. तो आई थिंक वी हैव टू रिस्पेक्ट क्यूरियोसिटी, बिकॉज only reason will, you know, take us towards the other side of the sea. Okay, Muzammil, thank you so much for all the answers. This is it from our side. We'll be taking questions directly from the audience now, one by one. Campus family, first of all, I welcome you at FAST. So the question is that, keeping in view the current economical and political situation in Pakistan, we saw the results of Sri Lanka, what happened at in that country. How do you vision Pakistan after 10 years from now, keeping in view the current political and economical situation? Thank you. Thanks. Well, 10 years is very far-fetched. I don't think we can last 10 months without going there. But say, मेरा ख्याल है कि पॉलिसीज़ बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं. इकॉनमी की अगर बात कर ली जाए तो उसमें यह है कि सारी इंपोर्ट ही इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कुछ है नहीं है. एक्सपोर्ट वो है जो स्पेन 16वीं सदी में एक्सपोर्ट कर रहा था, मसाले, वीट, ठीक है, धागा, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं. और वो बांग्लादेश में असेंबल हो रहा है और वही लिवाइज़ आपको यहाँ आके 3000 रुपये की पेंट बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं. तो जब ये करेंगे तो फिर कहाँ, श्रीलंका ही बनना है आपने. लेकिन बात ये है कि मॉडर्नाइज इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो सके ना, कि इंडस्ट्री लगाने को इंकरेज नहीं किया. और इसीलिए हमेशा से सबसे बड़ी चीज़ होती है इनसिक्योरिटी. मैं कोई इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि पॉलिटिक्स बड़ा कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि अगर मेरे मुल्क के अंदर इनसिक्योरिटी है और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना फ्रेंडली नहीं है मेरे लिए, क्योंकि किसी भी वक्त हालात ख़राब हो जाने हैं, एक रेजीम ने आना है और मुझे पता नहीं है कि इस वज़ीर आज़म ने 6 महीने गुजारने हैं या नहीं गुजारने. 3 साल वाला बैठा रह जाएगा, 5 साल वाला निकल भी जाएगा. तो बात यह है कि अब वो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल पोलिटिकल सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती. पहली बात, उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टर हमेशा से अच्छी जगह पर देखता है इन्वेस्ट करूँ. आपके पास अगर 20 लाख रुपया है और आपने किस्तों पे प्लॉट लेना है इस टाइम पर, तो आप एक मार्केट एनालिसिस करते हैं एज एन इंडिविजुअल, कि मैं किस सोसाइटी में जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ वहाँ की फाइल ऑथेंटिक है, रजिस्ट्री इंतकाल जाली तो नहीं होता, या फिर कोई कब्जा तो नहीं कर लेगा मेरे प्लॉट के ऊपर, या खून खराबा शुरू होगा तो उसके मालिक को सोसाइटी के उठा के ले गए, प्राइजेस नीचे गिर गए. जो बैरियर टाउन में हुआ और जगहों में हुआ कि मलिक रियाज में केस हुआ, पावर ही वो सारी जो है ना वो प्लॉट की प्राइस नीचे आ गई. बात यह है कि मार्केट एनालिसिस वो करते हैं और वो ये देखते हैं कि अगर बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगानी है इस खत्ते के अंदर, या भारत में लगानी है, सैमसंग ने वहाँ ऑफिस खोल लिया, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ने वहाँ खोल लिया, फेसबुक ने खोला हुआ है, आप यू आर बेगिंग देम लिटरली कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें. वो नहीं करते क्योंकि एक तो मार्केट छोटी है, ऊपर से वॉलेटाइल है, इतनी अनसर्टेनिटी है सिस्टम के अंदर कि आपको पता ही नहीं है कि कल स्टॉक्स क्या कहना शुरू हो जाएंगे. 204 रुपये पर डॉलर जा रहा है और रैपिड इन्फ्लेशन है 14% के रेट के ऊपर. तो मैं तो 2 महीने पहले बैंकरप्सी कॉल करने पे वीडियो बना चुका हूँ कि बैंकरप्ट हो चुके हैं, इट्स जस्ट अबाउट टाइम. और ये मैं नहीं कह रहा, ये शब्बर जैदी जो XFBR का चेयरमैन है वो कह रहा है, ठीक है, और लोग कह रहे हैं. क्योंकि एक आपने वो जो 3 अरब डॉलर के लिए आपने सेंट्रल बैंक को ऑटोनॉमी दे दी अपने IMF को,
IMF के कहने के ऊपर स्टेटमेंट का आपने कहा कि ठीक है गवर्नर भी खुद ही लगाओ सारा कुछ खुद करो हमें सिर्फ पैसे दे दो. बहुत से लोगों ने कहा ये अच्छी चीज़ होती है लेकिन वो उन इकोनॉमीज़ में होती है जो फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज़ हैं. यहाँ पर तो बेल आउट करने पड़ते हैं, कोई क्राइसिस आ जाए तो स्टेट बैंक की तरफ भागते हैं. स्टेट बैंक जब आगे से इनकार कर देगा मर जाओगे. तो ये चीज़ है कि आपने टूरिज्म के ऊपर भी अगर आपने बिल्ड किया अपनी इकोनॉमी को तो उसमें भी आपका पैरोकियलिज्म इतना ज़्यादा है. दुनिया में कहीं पर टूरिज्म ऐसे कंट्रीज़ में नहीं आ सकता जहाँ पर इतनी डॉगमेटिक मैस बैठी हुई है कि वो एहतजाज शुरू हो जाते हैं अगर बाहर से गोरा आ जाए कोई. तो ज़रा 60s की फुटेज निकाल के देखिए, अखबार देखिए कैसा पाकिस्तान था उस टाइम के ऊपर. PIA के जो एड्स हैं वही देख लीजिए. लाहौर की मॉल रोड पे कौन फिर रहा होता था वो देख लीजिए. कराची के बीच पे क्या था. तो आपने कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी नहीं बनाई. अगर आप वो नहीं बनाएंगे कभी भी काम नहीं कर सकते क्योंकि एक मशीनरी है. ठीक है, एक एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर मैं iOS डालने की कोशिश करूँगा वो क्रैश कर जाएगा. ठीक है, तो हमने इस डेमोक्रेसी के एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अपना टोटलिटेरियनिज्म का iOS घुसाया है और वो नहीं कंपैटिबल ही नहीं है. आप कैसे कह सकते हैं आप लिबरल नहीं हैं जब आप फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी करते हैं, बैंकिंग निज़ाम भी चलाते हैं आप इंटरेस्ट रेट के ऊपर. ठीक है, और सारा आपका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो नियो लिबरल ऑर्डर है जो फ्री ट्रेड की बात भी करता है और उसमें फ्री एंटरप्राइज भी है. मैकडोनल्ड्स यहाँ पर आकर खुलता है, सारा कैश लेके बाहर चले जाते हैं आपका. आप उन्हें आलू बेचते हैं और वो पता नहीं बिग मैक बेच के चले जाते हैं आपको. तो ये चीज़ें कि आपने लिबरल ऑर्डर को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उस ऑर्डर के काम करने के लिए एक स्टेबिलिटी, एक रूम टेम्परेचर चाहिए और वो रूम टेम्परेचर पीस होता है. जब तक उस पीस को इंश्योर नहीं करोगे तो कभी भी इकॉनमी थ्राइव नहीं कर सकती. और दूसरी चीज़ ये है कि बजट के अंदर भी स्क्रूटनी नहीं है, उसमें भी डिस्पैरिटी इतनी है कि शेडो इकॉनमी बहुत बड़ी है, उसको रेगुलराइज नहीं कर सकते, मार्केट का नहीं पता क्या है. इनफॉर्मल इकॉनमी इतनी है कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है दुनिया में सबसे कम शायद यहाँ पर होती है. और वो क्यों ना हो, जब मैं बीमार हो रहा हूँ मेरे पास अस्पताल में बेड नहीं है कोई, एक तो मैं रियासत को टैक्स दे के क्या हासिल कर रहा हूँ, मैं ये सोचता हूँ, अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ. So I think to become Sri Lanka is not far-fetched, it's around the corners. It's very much heading towards us. Because वहाँ भी political turmoil था ना basically. एक वो जो राजा पक्सेस की एक dynasty बनी हुई थी, तुम जाओगे मैं आ जाऊँगा तुम आ जाओगे, एक oppressive regime थी. तो श्रीलंका बहुत educated country है, if I'm not wrong 90% के करीब literacy rate है उनका. रिक्शे वाला भी अंग्रेजी बोलता है वहाँ पर, और एक massive tourism industry भी है फिर भी destroy हो गया. दूसरा चाइना का डेट ट्रैप कि वो आपको डेट दे दे के आपके सर पे एहसान करते हैं और यहाँ पाक चीन दोस्ती के गाने बजते हैं. ठीक है, और बाद में आपको बताते हैं एहसान कर दिया आपके ऊपर, लिया आपसे क्या, वो गवादर जिससे 200 किलोमीटर दूर स्टेट ऑफ हॉर्मज है जहाँ से 90% दुनिया का तेल गुजरता है, दुनिया की शारक के ऊपर बैठ गए, आपको $50 अरब में सौदा कर लिया, आप नाच रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या दिया उनको. आप कह रहे हैं ये एहसान किया चीन ने हमारे ऊपर, एहसान ये किया है कि 6% का कर्ज़ा देता है आपको. ठीक है, और कहता है कि 2 साल में वापस भी करना है. ऑरेंज ट्रेन के ऊपर कर्जा दिया 7% पे दिया, 12% के करीब पहुंच रहा है. तो ये जो डेट आपको वहाँ से मिल रहा है आप इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपना डीपेस्ट सी पोर्ट आप दे रहे हैं उनको जिसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू इतनी बड़ी है कि $50 अरब भी कुछ नहीं है उसके लिए. रेकोडेक की माइन भी उनको दी क्या, कुछ नहीं दिया. तो ये इस तरह से वीक इकॉनमीज को डेट के अंदर डाल डाल के उनको उनको डिफॉल्ट कर देते हैं. आई डोंट हैव द पावर टू रीपे सो आई एम गॉन, दे कैन कम हेयर एंड यू नो काइंड ऑफ रन माई कंट्री. सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच अराउंड द कॉर्नर. इनके पॉलिटिक्स अब भी इश्यूज़ की नहीं हो रही, वो ये हो रही है वज़ीर आज़म किसने बनना है, सोलूशन किसी के पास नहीं है. कोई एक आप सबको मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ बैठे में, पीपल्स पार्टी, नून लीग और PTI के इकोनॉमिक मॉडल में डिफरेंस बताओ. अगर इकोनॉमिक मॉडल में डिफरेंस नहीं है तो फिर सब एक ही हैं, क्योंकि मैंने 50 रुपये दिए सब उस 50 रुपये का वही कर रहे हैं, तो सब कह क्या रहे हैं वो तो सारा सेकेंडरी है. असल चीज़ तो वो है कि वो उस पैसों को इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं. तो इकोनॉमिक मॉडल सबका सेम है, प्राइवेटाइजेशन सब ने करनी है, इदारे सब ने बेचने हैं, उस पर सब इकट्ठे हैं, उस पर कोई डिफरेंट सोलूशन किसी के पास मौजूद नहीं है. लेकिन नारे सबके मुख्तलिफ हैं, कोई नए पाकिस्तान वाला है, कोई वोट को इज्जत दो वाला है, कोई जाले हैं बेचते हैं.
do we have to vote if we are unable to find do we have to vote if we are unable to find a good political party? Should we go for lesser evil? और जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर आप हक का साथ नहीं देंगे तो आप ऑटोमेटिकली बातिल को मतलब बातिल के साथ हैं. और एंड वन मोर थिंग कि हाउ अ लीडर हाउ इमरान खान कैन डिफाइन व्हाट इज एक्चुअली हक और व्हाट इज बातिल. आई थिंक ओनली ही कैन डिफाइन इट राइट नाउ बिकॉज़ ही इज अ मेसिया. या व्हाट ही इज डूइंग इज राइट. अगर वो आईएन भी तोड़ दे तो वो सरप्राइज होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता. तो देखें वोट ना करना, मैं तो मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. आई एम नॉट अंडर अ डेमोक्रेटिक डिलूजन टू से कि अगर वोट नहीं डाला तो आपने तो अपने शहरी होने का आप खो दिया और आपके ऊपर कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होगा और आपने कौम को बर्बाद कर दिया. भाई मैंने टैक्स दी है, आई हैव हैंडेड द स्टेट विद मनी, दैट्स माई वोट, गिव इट बैक टू मी. आई डोंट नीड टू सपोर्ट एनी पर्टिकुलर फैक्शन वन ऑफ यू. लेकिन बात यह है कि वोट ना देना एक नॉन कोऑपरेशन को भी डिनोट करता है ना, कि आप स्टेट को ये बता रहे हैं कि मैं जिस तरह सिविल डिसोबीडियंस की तारीख हुआ करती थी, गांधी साहब की थी, मार्टिन लूथर किंग जेआर की थी और थी, तो वो सिविल डिसोबीडियंस यही होती है कि आप रियासत कहती है वोट दो हमें, आप कहते हैं नहीं देना हमें. तो बात ये है कि अगर बात यह है कि लेसर ऑफ द इवल इज स्टिल इवल एंड इवल स्टेज इवल, यू नो. अब उसमें यही है कि आपने कॉम्प्रोमाइजेस करने हैं, चाहे आप छोटा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन सबसे बेवकूफ़ वो हैं जो ये सोच रहे हैं कि इन सब में से एक मसीहा जो सारे हल कर देगा मसले, चाहे वो कोई भी है. कोई मियां नवाज शरीफ को समझता है, इमरान खान को समझता है, जरदारी साहब को समझता है. इफ़ यू थिंक दैट इन अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जिसमें इतनी ज़्यादा इंट्रिकसी है कि आपको पता ही नहीं ये काम कैसे करता है, वो काफ्का का जो कॉन्सेप्ट है, काफ्काएस्क, सो इट्स सो काफ्काएस्क का आपको पता भी नहीं है कि ये काम किस तरह कर रही है मशीनरी. उसमें एक बंदा आके कह रहा है मैं सब ठीक कर दूंगा एंड यू आर गिविंग इन टू दैट, देन यू आई डोंट थिंक दैट यू नो व्हाट इज डूइंग और व्हाट यू आर डूइंग इन द फर्स्ट प्लेस. तो सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस वाले जो हैं सबसे बड़ा झूठ वो बोल रहे हैं आपसे, चाहे वो कोई भी प्रोवाइड कर रहा है आपको. सो टू नॉट वोट इज कम्प्लीटली फाइन टू मी, इवन आई नेवर वोटेड. एनी अदर क्वेश्चन? सर जितने लीडर्स हैं उनका इकोनॉमिक मॉडल सेम है लेकिन वो डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं. सो इन आर केस राइट नाउ आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, मे बी दे आर एथिकल, मे बी दे हैव गुड व्यू पॉइंट्स ऑन हाउ टू चेंज द वर्ल्ड. सो एज लॉन्ग एज ये हमारे लीडर्स रहते हैं, सो इज देयर एनी होप कि हमारा मुल्क जो है एक बेहतर साइड पर जाए? क्योंकि इफ दीज लीडर्स रिमेन देन would it be right to say that there is no hope for Pakistan? Well, basically aapko ek parallel leadership bhi to chahiye na, kyunki agar aap yahi samajhte hain ki sari zindagi inka hi istehqaq hai ki inke sare bacche hame rule kare agle 10 naslon tak, to phir to waqai aisa hoga. Kyunki agar naye solutions nahi hai, nayi problems ko nahi pakadne wale log hain, to aap wo Jibran Nasir ki campaign dekh lijiye aur logon ki dekh lijiye jo maine ki hai. कि वो हलकों में गए हैं और वहाँ उन्होंने कहा ये मसाइल हल करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं पहले तुम ये बताओ तुम मुसलमान होगे नहीं. उसने कहा भाई मैं हूँ. वो आगे से वो सारा फेथ बेस्ड आर्गुमेंट हो रहा है, इश्यूज की सियासत पे बात करने वाले नहीं हैं. तो अगर तो आप यही समझते हैं कि एक जहाँ पर एक अथॉरिटी सारी लाए करती है वो अपना क्लर्क हर 5 साल बाद रखते हैं और वो कोई नया क्लर्क ले आएंगे तो उससे ठीक हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता. उसकी वजह ये है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं चल सकते. ये तो आप जो है ना वो इसको रेकनसाइल कर लीजिए कि ये नहीं चल सकता. अगर ये चलना होता तो आपको 70 साल में रिजल्ट्स मिल जाते, लेकिन एवरी सिंगल डे इज़ वर्स देन द लास्ट वन एंड देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट. क्योंकि आपको पता वही बात की अथॉरिटी कहीं है, इख्तियार कहीं है और इकतदार कहीं और है. तो बात यह है कि एक वो रियल पॉलिटिक वाली चीज़ जो डिस्कस की है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रियलिज्म अब अगर माशरे की सोच में आता है, सियासी सोच के अंदर भी आता है, तो फिर बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं. उसके उस पर कोई भी बात करे तो हम तैयार हैं. हम नहीं कहते कि किसी का बेटा आगे रोल नहीं कर सकता, बिल्कुल करे अगर उसके पास इफेक्टिवनेस है और रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है. तो मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसी मायूब चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए. लेकिन बात यह कि आपने हमजा शहबाज अगर लगाया तो उसका कोई CV तो बताओ हमें क्या है, या फिर वो क्या ऐसा चेंज करेगा जो पहले नहीं हो सका. चलें एक चीज़ तो चेंज की कि बुज़दार चेंज कर दिया, ठीक है वो तो बहुत आसान किया है. वो कल कोई कह रहा था कि उसको नेस्ले और नेस्पाक का फर्क नहीं पता,
कि वो क्या होता है, वो एक मीटिंग नेस्पाक वालों ने 2 घंटे की दी, उसने ऐड पे कहा कि नेस्ले वालों से मिलकर खुशी हुई, वो नहीं, वो सीएम रहा है सबसे बड़े सूबे का 4 साल तक, ये हमारी अचीवमेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद से बैठ के चलाना था पंजाब को, इसलिए तो इंसल्ट करते हैं ये लोग हम लोगों को। लीडरशिप हमेशा इंटेलेक्ट, ये कहते हैं मॉरल अथॉरिटी, मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी। लीडरशिप वो होती है जो इंटेलेक्चुअली आम इंसान से बेहतर हो, क्योंकि वही बेहतर सोच के फैसला करेगा। मॉरलिज्म हमें नहीं चाहिए, आपने खतीब नहीं लगना कहीं पे, आपने गवर्न करना है लोगों को। तो आपको ये चीज़ तो समझ नहीं आती कि मॉरलिज्म जो है वो इनफरादियत से मुतल्लिक है। इखलाकियात एक फ़र्द की वैल्यू है। मेरे नज़दीक सिगरेट पीना बुरा हो सकता है, आपके नज़दीक अच्छा हो सकता है, सब्जेक्टिव है। लेकिन कौमों की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी से लीड करते हैं। चर्चिल जितना भी बुरा था, लेकिन अगर उसको ये ना पता होता कि हिटलर को रिवर्स कैसे करना है, इसके फिनोमेना को, अपीजमेंट की पॉलिसी को कैसे ख़त्म नहीं करना, वो जितना भी अच्छा होता वो तब भी जर्मनी खा जाता यूके को। तो पॉलिटिक्स में सिर्फ वो चला है जो इंटेलेक्चुअली साउंड है, रैशनल है, उसमें रीजन ज़्यादा है और एनालिसिस अच्छा है। हमारा मसला ये है कि हम सारा एनालिसिस किसी के सियासतदान की जो आउटलुक है किरदार की उस पर करते हैं, ठीक है। ज़िया के बारे में सबसे बड़ी तारीफ हमारी यही थी कि वो बड़ा पायस आदमी है, करके क्या गया वो आपके सामने, 5,000 रुपये क्लैशनकोफ मिलती थी, आप जायमान से रसे आ गए, एक पूरी नस्ल को अफीम लगा के चला गया, ठीक है, लाखों रेफ्यूजीज वहाँ से आए, आज तक उनको पालने के पैसे नहीं हैं आप लोगों के पास, गली गली में धमाके शुरू हुए, ठीक है, और हर फैक्शन मुआशरे का दूसरे से लड़ रहा है। लेजिस्लेशन में आपको सीधा सीधा एक कम्यूनिटी के खिलाफ एंटी शिया लेजिस्लेशन नज़र आती हैं, और एक ऐसी आग लगा कर गए जो आज तक नहीं बुझ रही, क्योंकि आपने कहा वो पायस आदमी है। सो इफ़ यू केयर फॉर मॉरलिज्म एंड पॉलिटिक्स यू विल बी डिस्ट्रॉयड इन नो टाइम, बिकॉज दैट डज नॉट काउंट एट ऑल, बट काउंट्स इज अफेक्टिवनेस। पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ अफेक्टिवनेस, दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग टू पीपल। तो इनमें से जो जितना अच्छा है या जो भी है हमें नहीं पता, बात यह कि जब मैथ रैशनली सोचेगी तो ये सारी लीडरशिप खुद ही फारिग हो जाएगी, क्योंकि इनको इंपॉर्टेंस कौन देती है, मैथ देती है, वोट कौन देता है, मैच देती है, इनकी गाड़ियों के पीछे भागता कौन है, हम और आप भागते हैं। तो जब वो चेंज हो जाएगा, जब वर्किंग क्लास लीडरशिप की बात होगी और लोगों की होगी, तो तब सारा कैनवस चेंज होता हुआ आपको नजर आ सकता है। सो इट्स अबाउट अ फिलोसॉफिकल चेंज, विच इज़ वाई आई स्ट्रेस सो मच ऑन फिलोसफी, कि जब नेशंस ने अपना फिलोसॉफिकली अपने आप को चेंज किया तो सब बदल गया। डार्क एजेस वाला यूरोप जो खोपड़ियों के मीनार बना रहा था, खून खराबा कर रहा था, वहाँ से दुनिया की बेहतरीन कौमें पैदा हुई, जहाँ पर आप आज और मैं वीज़ा लेने के लिए मरते हैं, ठीक है। तो जिसको चाहिए ये ऑर्डर वो जाए इराक और अफगानिस्तान और रहे वहाँ पे, अमेरिका में रह के क्यों मांगते हैं वो सारा कुछ, आप इन्जॉय करते हैं उनकी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की प्रिविलेजेस को, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को, फ्रीडम को, राइट्स को, और गाली भी उन्हीं को देते हैं। तो ये हिपोक्रेसी को चेंज करना पड़ेगा, रियलिज्म पे स्ट्रेस देनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू कम टू ग्रिप्स विद रियलिटी। अस्सलामुअलैकुम मुज़म्मिल भाई, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह हमें अब न्यूज़ आ रही है हमें कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू निगोशिएट विद टीटीपी, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर निगोशिएट ही करना था आखिर में आके हमने उनके साथ टीटीपी वालों के साथ बलोचिस्तान में, तो इतने ज़्यादा मिलिट्री ऑपरेशन हमने किए क्यों, और अगर किए हैं तो आखिर में अब निगोशिएट करने की क्यों जरूरत हमें पड़ रही है। टीटीपी की टोटल स्ट्रेंथ 4,000 फाइटर्स है। I mean, it is so humiliating on our part that a standing army, well, that as a nation we have failed to repel a hooligan group of 4,000 fighters. But still it is very, very much happening. You are right कि हो रहा है ये, और हमने भी सुना है, एक दो जगह पे सवाल भी किया था इस बारे में। So I think it is failure because हमने पहले appease किया इन groups को, और हमने एज एन एक्सक्यूज यूज़ किया है इनको एक मिलिटराइजेशन के फिनोमेना को अपहोल्ड करने के लिए कुछ रीजन्स में। यूफेमिज्म से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी मजबूरी आपकी भी है। तो इट्स वेरी अलार्मिंग फॉर द पीपल ऑफ द पेरीफरीज, जो कि उधर नॉर्थ में बैठे हुए हैं, वजीरिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके लिए रातों की नींदें उड़ा देने वाली खबर है ये। ये मेरे और आप जैसे लाहौरियों को कोई असर नहीं डालती उन पर, क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ नहीं होगा, उनके बच्चे मरेंगे, वहाँ लैंड माइंस बिछेंगी, वहाँ ड्रोन्स लगेंगे, वहाँ सारा कुछ होगा।
तो उन लोगों का कंसर्न है ये हम तो प्रिविलेज लोग हैं, हमें टेंशन। मुझे तो लोग ये भी कहते हैं तुम पश्तूनों के लिए बात क्यों करते हो, पंजाबी हो, समझ नहीं आती उन्हें कि क्या वजह। तो बात यही है कि वो उनके लिए अलार्मिंग है और हमारे पार्ट पे फेलियर है स्टेट का कि एक सिक्योरिटी जो मेंटेन करने की उसकी एक पहली लेयर होनी चाहिए जो उसको इंश्योर करनी चाहिए वो नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली। एंड आई थिंक वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डार्कर टाइम्स। अच्छा यार, तो आई फॉलो यू ऑन सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एक दिन पहले यू पोस्टेड के कोई रेप या मर्डर की न्यूज़ है जिस पे रोटा कैप्शन के द ओनली होप दिस कंट्री हैज दिस सोसाइटी हैज इज टू गेट डिस्ट्रॉयड टू इट्स कोर एंड अ न्यू वन टू बी टू राइज फ्रॉम हिज एशेस। सो लाइक डू यू विश टू एक्सपैंड ऑन दैट? डू यू थिंक दैट्स अ रीजनेबल वे टू गो अबाउट थिंग्स? बिकॉज़ पर्सनली आई हैव नो होप फॉर दिस कंट्री। सो what do you think about that? Personally what? Personally I have no hope for this country, like personally. So what do you think about that? Well, I think you just entered the hall because I already explained that for like an hour or so ke kis tarah se total destruction se progress aati hai. Jis tarah maine bataya ke ek underlying system jo hota hai wo jab tak partially bhi survive karne mein kamyab ho jaye to wo oppress karta jata hai logon ko. Face saving system ki jab tak hoti rehti hai wo dobara se रीइनविग्रेट होके रीवैम्प होके वापस आ जाता है आपके ऊपर। अगर आपको ये लगता है कि आजकल जो ओपिनियन बड़ी क्रिटिकल हो गई है इंस्टीट्यूशंस को लेके आवाम की, तो सब फजूल, ऐसा नहीं होना। इट्स अ मैटर ऑफ अ ईयर और टू, पहले भी बहुत बार हो चुका है। अगर आपने देखना है लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन के बाद पब्लिक ओपिनियन क्या थी, देखिए, इससे भी बुरी थी। उसके बाद में क्या हुआ? सब ठीक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बात यह है कि ये सारी रिवर्सल हो जाती है इन चीज़ों की, ये साइक्लिकल हिस्ट्री चलती है हमेशा से। हम 60s में ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे इससे। आपको कोई आर्ग्यूमेंट कर अगर आपसे करे कि आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, ही इज़ अ लायर, ही इज़ फूलिंग यू। थिंग्स नॉट गेट फिक्स्ड विद टाइम, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड विद टाइम एज वेल। रोम जो थी वो किंगशिप बनने से पहले, किंगडम बनने से पहले डेमोक्रेसी थी। रिपब्लिक रोम पहले था, बाद में किंगडम बन गई थी। तो चीज़ें रिवर्सल में भी चल सकती हैं। ये इस बात की दलील नहीं है कि वक्त गुजरेगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ख़राब भी हो सकती हैं। तो यही बात है कि होप की जहाँ तक बात है, तो वो उसके लिए आई थिंक वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर दैट इफ वी रियली वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स, बिकॉज देर आर स्टेक होल्डर्स इन द सिस्टम वो वॉन्ट लेट इट हैपन पीसफुली। मैं ख़वातीन को भी यही कहता हूँ जब वो कहती हैं कि मैंने वुमेन राइट्स के बारे में पोस्ट की तो उन्होंने मेरे पे इतने अटैक्स हुए, मैंने डिलीट कर दी। मैं कहता हूँ क्यों डिलीट की? टेक अ वॉर, यू नो, टेक दी ऑफेंस, टेक इट हेड्स ऑन, नेवर एक्सपेक्ट दैट यू विल बी पैसिफाइड बाय दोज पीपल बाय देयर बिहेवियर्स। ये पैसिव एक्सरसाइज है ही नहीं, ये है ही उनके लिए जो लड़ने के लिए तैयार है। तो ये कहना कि कॉन्फ्लिक्ट को भी अवॉइड कर दूँ, हर चीज़ पीसफुली हो जाए और प्रोग्रेस भी आ जाए, इट्स नॉट गोना हैपन। इंग्लिश रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? ग्लोरियस रेवोल्यूशन में 17th सेंचुरी की पढ़ लें। अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था? पढ़ लीजिए जाके 1776 में। 1789 फ्रांस में क्या हुआ था? बादशाहों के सर काट दिए थे उन्होंने गिलेटिन मशीन से, लुई 17th का, उसकी बीवी का, जिसने कहा था केक खाओ अगर रोटी नहीं है तो, बड़ा मशहूर मैक्सिम। तो ये चीज़ है कि किसी भी मुआशरे की जो जितनी रेवोल्यूशंस मैंने पढ़ी हैं, आई हैव नेवर रेड ऑफ अ पीसफुल रेवोल्यूशन एवर। इस खत्ते में जो हमने ये मुल्क लिया पीसफुली, मुस्लिम लीग के किसी लीडर को खरोश तक नहीं आई, वो इसलिए कि वो इकोनॉमिकली वीक हो चुके थे। वो खुद ही कह रहे थे भाई कुछ चलो, अगर उनको हिटलर ना खाता यूरोप में तो वो हमें यहाँ छोड़ते यहाँ से। तो आज़ादी की जंग जीती, मैं तो पूछता हूँ कहाँ हुई है? मैं तो एक एक मैस जो है वो क्या कहना चाहिए, एक वहाँ से लोग उठ के यहाँ पर आए और उसमें सिविल वॉर हुई। यू डिड नॉट फाइट द इंपीरियल एनिमी। बेशक कुछ लोग लड़े भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं लड़े कोई, लेकिन ये जो पार्टीशन के टाइम पे राइट्स हुए, ये सिविल वॉर थी सारी। जो कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल जिना साहब ने नहीं पढ़े उसके बारे में क्या थी, जिस रात 20,000 लाशें पड़ी हुई थी कलकत्ता की गलियों में। तो ये चीज़ है कि आई डोंट थिंक दैट द प्रोग्रेस दैट यू टॉकिंग अबाउट, द होप दैट यू टॉकिंग अबाउट इज पीसफुली अचीवेबल, एंड दैट इज द बैड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज we belong to a society who never really kind of fought that much. Beshak yahan outliers bahut se hain, Dulla Bhatti ki example hai, Bhagat Singh ki hai, aur bahut se log hain jinko hum respect bhi karte hain is wajah se ki wo unhone awaaz uthai thi, lekin ye kehna ki peace se hi sara kaam ho jayega, nahi ho sakta।
I don't think it's historically substantiable. Okay, everyone, this is it for this session. Thank you so much for joining, and thank you so much, Muzamil, for being such a good sport and asking all the questions.